नमस्कार दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रोड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। 2.0 के अगले भाग को लेकर शंकर ने दिए संकेत, जाने कब बनेगी 3.0। करीब 8 साल पहले जब निर्देशक शंकर ने अपनी पहली तमिल फिल्म इंथिरन रिलीज की थी, तब उन्हें पता नहीं था कि ये फिल्म लोकप्रियता की दौड़ में उन्हें काफी आगे ले जाएगी। अब इस हफ्ते जब फिल्म का दूसरा भाग 2.0 आ रहा है, तो संकेत मिल रहे हैं कि 3.0 भी आ सकती है। निर्देशक शंकर ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि 3.0 का प्लान भी निश्चित रूप से है, लेकिन वो इस फ्रेंचाइजी को बिना रजनीकांत के आगे बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। जब भी वो अपने दिमाग में चिट्ठी का नाम लेते हैं, तो बस रजनी सर का चेहरा सामने आता है। उन्होंने कहा कि एक दर्शक होने के नाते तो चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा में सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन की तरह चिट्ठी का नाम भी हो, ये सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के नाम से आगे बढ़े। सभी चिट्ठी के किरदार को चाहते हैं और उनकी यही इच्छा है कि इस किरदार को बार बार पर्दे पर लाया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें क्रिएटिव होना होगा और एक अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। शंकर ने कहा कि वो सिर्फ बनाने के लिए 3.0 नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर उनके मन मुताबिक कुछ हुआ तो तीसरा भाग भी ऑन है। शंकर को अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो चिट्ठी के साथ कृष या रावण के जीवन से भी लाने को तैयार है। फिल्म 2.0 के लिए रजनीकांत ने खराब तबीयत में भी काम किया था। हाल ही में अक्षय ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत को सेट पर घुटने पर चोट लग गई थी, जिससे खून बहने लगा। निर्देशक शंकर ने उन्हें काम नहीं करने के लिए कहा, लेकिन रजनीकांत ने किसी की बात नहीं सुनी और अपना पूरा शॉट खत्म करके वहां से गए। अक्षय ने बताया कि रजनी और शंकर जैसे जीनियस के साथ काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अक्षय कुमार के मुताबिक 2.0 भारत की सबसे अधिक बजट की फिल्म है, जिसको बनाने में करीब 510 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में काम करने के पीछे एक खास कारण रहा है, और ये है कि इस फिल्म में एक इंटरनेशनल मैसेज है। ये एक सोशल फिल्म है और जब उन्होंने इस फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि भले ही उनका किरदार नेगेटिव हो, लेकिन ये फिल्म उन्हें करनी चाहिए। फिल्म में अक्षय कुमार बड़े ही डरावने लुक में नजर आएंगे। इसमें वो कभी खौफनाक पक्षी बन जाते हैं तो कभी सेलफोन से बना हुआ आदमी। फिल्म 2.0 को 29 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर फिल्म 2.0 इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म है। 600 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म इस गुरुवार को रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और बता दें कई शहरों में 2.0 हाउसफुल भी हो चुकी है। जाहिर है रजनीकांत का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोलता है, वहीं अक्षय कुमार के फैंस भी काफी ज्यादा उत्साहित है। बता दें रिलीज होने से पहले ही 2.0 ने 370 करोड़ की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के मेकर्स ने 2.0 हिंदी, तमिल, तेलुगु के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स को 370 करोड़ में बेचा है, यानी कि बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा फिल्म ने रिलीज से पहले ही निकाल लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट। 3.0 में सलमान खान को क्यों लिया जा रहा है? 3.0 कब आएगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रड स्टूडियोज की अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म कलियारे में। अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर 2.0 फैंस को काफी पसंद आ रही है, और अब खबर है कि फिल्म के आखिरी सीन में फैंस को शंकर और रजनीकांत ने एक तगड़ा झटका दिया है, या कहें तो सरप्राइज दिया है। पर इंटरनेट की दुनिया में आप ये सरप्राइज वाली बातें कब तक छिपा सकते हैं? तो अब फिल्म का ये शानदार सरप्राइज बाहर आ चुका है। दरअसल जैसे ही फिल्म के आखिरी क्रेडिट्स आते हैं, दर्शकों को झलक मिलती है कि रजनीकांत के किरदार चिट्टी रोबोट के 3.0 वर्जन की। अब इसकी खासियत क्या होगी और ये क्या करेगा, ये तो 3.0 की स्क्रिप्ट तय हो जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसका नाम होगा कुट्टी। फिलहाल तो दर्शक कुट्टी के 3.0 वाले लुक से ही बहुत ज्यादा खुश है। गौरतलब है कि हाल ही में शंकर ने 2.0 सीक्वल 3.0 के बारे में बात की थी, लेकिन उस दौरान उनकी बात को किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब उन्होंने फिल्म के आखिरी सीन से ये साबित कर दिया है कि वो सीक्वल बनाने के लिए सीरियस हैं। हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा 2.0 की कमाई पर। 2.0 भव्य स्तर पर बनाई गई सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है। इसकी कीमत 600 करोड़ है और ये भारत की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार है और विश्व की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। जानिए हाल फिलहाल में किन सीक्वल की अफवाहें उड़ चुकी हैं और कुछ सही साबित हुई
हुई और कुछ नहीं। बंटी और बबली, खबर है कि 10 साल बाद अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी एक साथ वापसी करेंगे और इस फिल्म के लिए दोनों बेहद उत्साहित है। दोनों ने साथ में युवा, हम तुम, बस इतना सा ख्वाब है, कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में साथ काम किया है और शानदार अभिनय भी किया है। गो गोवा गॉन। गो गोवा गॉन बॉलीवुड की पहली जॉम्बी फिल्म थी और इसलिए दर्शकों को काफी पसंद आई थी। फिल्म के दूसरे पार्ट को राज जी के डायरेक्ट करेंगे। जॉली एलएलबी 3। फिल्म के तीसरे इंस्टॉलमेंट में दोनों ही जॉली एलएलबी यानी कि अर्शद वारसी और अक्षय कुमार एक साथ भिड़ेंगे। सोच कर ही मजा आया ना, वैसे भी दोनों की कॉमिक टाइमिंग शानदार है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। करण जौहर के बैनर तले फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की सीक्वल फिल्म के पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं। टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का निर्देशन पुनीत मल्होत्रा कर रहे हैं। नो एंट्री में एंट्री, माना जा रहा है कि अनीस बज्मी की इस फिल्म से सलमान खान आउट और अर्जुन कपूर फाइनल हो चुके हैं। काफी समय से सलमान ने फिल्म को लटका कर रखा हुआ था। टोटल धमाल, इस बार धमाल के इस तीसरे पार्ट में अजय देवगन दिखाई देंगे, वहीं माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर भी फिल्म में अहम भूमिका में दिखाई देंगे। किक 2। साजिद नाडियाडवाला ने किक 2 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर फिलहाल तेजी से काम चल रहा। बागी 3। साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। फिल्म का अनाउंसमेंट बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दिया गया था। हाउसफुल 4। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल हाउसफुल 4 की शूटिंग कर चुके हैं। फिल्म में उनका साथ देंगी कृति सैनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा। दबंग 3। इस फिल्म को 2020 क्रिसमस तक खिसका दिया गया है। साथ ही ये निर्देश भी जारी किए गए कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर डबल बारीकी से काम किया जाए। बता दें कि दबंग 3 को डायरेक्टर प्रभुदेवा बना रहे हैं और इसमें सलमान खान के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा और अरबाज खान दिखाई देंगे। 3.0 के लिए रजनीकांत ने सलमान खान से बात की है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। वैसे शंकर 3.0 को 2.0 से बड़ी बनाना चाहते हैं, इसीलिए शंकर चाहते हैं सलमान जैसा बड़ा स्टार 3.0 से जुड़े, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए सलमान खान के जुड़ने से इस फ्रेंचाइजी को कितने करोड़ों का फायदा होगा और नई नई कौन होगा 3.0 में विलेन, कब आ रही है ये फिल्म। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ सानिया सैफी। दोस्तों, 2.0 भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म थी जिसका निर्देशन शंकर ने किया था। इसके लेखक शंकर और जय मोहन थे और ये 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन यानी कि रोबोट का दूसरा पार्ट है, जिसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन और अक्षय कुमार मुख्य किरदार में हैं। A.R. रहमान ने फिल्म में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया था। 29 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया। जनरली इस फिल्म को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही मिला है। इसमें आलोचकों ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत और अक्षय कुमार के प्रदर्शन और साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने की सराहना की है, लेकिन कहानी और उसकी गति को लेकर काफी आलोचना भी हुई है। हालांकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही दुनिया भर में 117.34 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस फिल्म के हिंदी डब ने 140 करोड़ रुपए की कमाई की और बाहुबली द कंक्लूजन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म बन गई है। इसी के साथ पूरी दुनिया में इसने सबसे अधिक कमाई करने वाली छठी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, इस फिल्म को बनाया गया था 563 करोड़ रुपए के बजट से और फिल्म ने कमाई की 700 करोड़ रुपए की। फिल्म के बेहतरीन विजुअल्स को लेकर दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था और फिल्म की सक्सेस को देखते हुए फिल्म मेकर्स पूरी तरह से मूड में हैं इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए, यानी कि 3.0 पाइपलाइन में है। दोस्तों, हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक ताजा और बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि 3.0 के विलन के लिए इस बार फिल्म मेकर्स और भी ज्यादा आगे जाना चाह रहे हैं और बड़ा विलन इस फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट में विलन के किरदार में कोई फीमेल नजर आने वाली है और फीमेल भी हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस होगी। जी हाँ,
3.0 के लिए ना सिर्फ विलन के किरदार में फीमेल होगी बल्कि वो होगी हॉलीवुड एक्ट्रेस, और हम बात कर रहे हैं हेलेना बोनहम कार्टर की, जिन्होंने हैरी पॉटर में निभाया था बहुत ही विलनस किरदार जिससे आज तक बच्चे नफरत करते हैं। जी हाँ, सही समझे, बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज की। हैरी पॉटर में विलन का किरदार निभाने के बाद वो एक और बार बच्चों की फिल्म एलिस इन वंडरलैंड में फिर से विलन के किरदार में नजर आई थी, और हम देखते हैं कि आज तक हेलेना ने ज्यादातर विलन के किरदार ही निभाए हैं और हर किरदार को इस तरह से दिखाती हैं कि दर्शक उनके दीवाने हो जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए अब 2.0 के फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि 3.0 में हेलेना विलन का किरदार निभाए। दोस्तों, अगर बात बन जाती है और हेलेना फाइनली इस फिल्म के लिए हाँ कर देती हैं, तो ये फिल्म बनेगी हॉलीवुड के लेवल पर। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के लिए हेलेना हाँ कर दें और बॉलीवुड को मिल जाए एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या रोबोट 3.0 में दिखाई जा सकती है कुट्टी और चिट्टी के बीच जंग, कौन जीतेगा यह बाजी? वही रोबोट फिल्म के साथ हॉरर फिल्म चंद्रमुखी 2 भी करने वाली है रजनीकांत। जी हाँ, 3.0 और 2.0 के रोबोट के बीच होने जा रहा है जंग, लेकिन ये लड़ाई होगी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की। क्रिश, रावण और रोबोट भारतीय सिनेमा के कुछ ऐसे फिल्मों में मशहूर हैं जिन्हें हर उम्र में दर्शक ने पसंद किया। वहीं अगर कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर या फिर जस्टिस लीग की तरह ये तीन सुपर हीरो भी जुड़ जाएं तो क्या परिणाम रहेगा? वहीं चिट्टी की टीम में जहां कुट्टी है, वहीं क्रिश और रावण आपस में हाथ मिला रहे हैं। वॉर फिल्म के बाद कहीं टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में फ्लाइंग जट बनकर वापस तो नहीं लौट रहे? वहीं शक्तिमान इस फिल्म में शामिल हो जाए तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। लेकिन फिर कैप्टन व्योम, आर्यमान और जूनियर जी भी तो हमारे बचपन के सुपर हीरो हैं। क्या आप इन सुपर हीरो को जानते हैं? कैसे होगा ये भारतीय सुपर हीरो का संगम? लेकिन फिलहाल तो 2.0 और 3.0 के साथ 4.0 की भी बात छेड़ी गई है। कुट्टी के बाद पक्की होगी 4.0 रोबोट का नाम। क्या चिट्टी अपने वजूद को कुट्टी और पक्की में बटने देगा? क्या रोबोट में भी जलन की भावना जागरूक कर देंगे यह फिल्म निर्माता? जलन तो शायद थलाइवा से है कुछ लोगों को, तभी तो उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही। यह अफवाह उनके फिल्मी करियर को लेकर नहीं बल्कि उनके राजनीति में एंट्री को लेकर फैलाई गई है। इस अफवाह में उनके राजनीति में एंट्री नहीं कर पाने की वजह उनके खराब स्वास्थ्य को बताया गया है। 69 साल के रजनीकांत की मानो तो वो आगे भी फिल्में करते रहेंगे। वहीं खराब स्वास्थ्य का शिकार रजनीकांत के पूर्व सह कलाकार थवासी थे, जिनका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। एक्टर ने रजनीकांत के साथ भी काम किया था। थवासी ने फिल्म कलाकारों से कैंसर के इलाज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा था। कैंसर से लंबे अर्स तक जूझने के बाद आखिरकार तमिल एक्टर थवासी जिंदगी की जंग हार गए। 60 साल के थवासी को मदुराई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की उनकी मौत से सदमा लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद कई सेलिब्रिटीज उनकी मदद के लिए आगे आए थे। वहीं हिंदी सिनेमा के अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का निर्देशन करने वाले राघव लॉरेंस ने अपनी एक और फिल्म चंद्रमुखी 2 की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 2005 में आई दक्षिण भारतीय फिल्म चंद्रमुखी का सीक्वल है और इसमें तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई है। सीक्वल फिल्म में भी रजनीकांत और उनके साथ राघव भी नजर आएंगे। उनकी जानकारी राघव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करके दी है। इस फिल्म के लिए राघव को एडवांस में 3 करोड़ रुपए भी मिल चुके हैं। उन्होंने 50 लाख रुपए प्रधानमंत्री केयर्स फंड दिए हैं और 50 लाख रुपए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए हैं। इसी तरह उन्होंने बाकी के पैसे भी डांसर्स के यूनियन में दिव्यांगों के लिए और दैनिक वेतन भोगियों के दान में दिए हैं। चंद्रमुखी 2 के अलावा रजनीकांत फिल्म अनाथे में भी करने वाले हैं, जो थवासी की आखिरी फिल्म रही। इसके अलावा डायरेक्टर शंकर भी 3.0 भी हैं उनके पास। 3.0 पर पहले से ही एनिमेशन फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसने कुट्टी के कारनामों का उदाहरण दिया है। वहीं कुट्टी का छोटा आकार फिल्म का आकर्षण रहेगा, यह भी बताया गया है। वहीं अपने आकार को अगर कुट्टी बड़ा छोटा कर पाए तो यकीनन यह एक एंट मैन को पीछे छोड़ने में सक्षम रहेगी। पीछे तो इस अभिनेत्री ने भी ऐश्वर्या राय को छोड़ा। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि एमी जैक्सन है, जिन्होंने रोबोट 2.0 में अपनी एंट्री मारी थी। जहां ऐश्वर्या राय के साथ काम करने के लिए रजनीकांत इतने उत्साहित थे, उन्होंने रोबोट के लिए पेश को 3 बार अप्रोच किया। वहीं रोबोट 2.0 में बदल दी अपनी हीरोइन और अब 3.0 में भी एक नई अभिनेत्री की एंट्री हो रही है। तो क्या यह एक बॉलीवुड की अभिनेत्रियां होंगी? बता दें, रोबोट 3.0 के लिए कैटरीना कैफ और दिशा पटानी में से किसी एक अभिनेत्री को शामिल करेंगे रजनीकांत अपनी साइंस फिक्शन फिल्म में।
वहीं कुट्टी के लिए उत्साहित दर्शक इस किरदार पर और भी नई फिक्शन वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसकी कुट्टी की पावर्स और टेक्नोलॉजी पर बात होंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं रोबोट 3.0 की इन फैन मैन वीडियोस के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत। कैसे शुरू हुई 3.0 और ईगा के बीच की जंग की शुरुआत और किसके पाले में होगा ब्लॉकबस्टर का खिताब? वहीं थलाइवा की बायोपिक में उनके दामाद निभाने वाले हैं उनका किरदार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोट 3.0 से जुड़े कुछ नए अपडेट्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब हम भारत की एनिमेटेड या फिर तकनीकी परस फिल्मों की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले रजनीकांत की फिल्म रोबोट और नानी और सुदीप की फिल्म ईगा यानी मक्खी का नाम आता है, जहां फिल्म रोबोट टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए एक मानव रोबोट की कहानी है। वहीं ईगा एक ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो नानी अपनी मौत के बाद एक मक्खी के रूप में लौटकर अपनी मौत का बदला लेता है। सुनकर हंसी आ गई, लेकिन देखकर आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म की टेक्निकी और डिजाइनर टीम को हमारे सलाम, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से फिल्म में कुछ ऐसे काल्पनिक पहलू जिंदा किए हैं जो काफी असल दिखाई दिए। वहीं एक बंद क्यूबिकल में बैठे डिजाइनरों की टीम की कल्पना करना आसान है, लेकिन प्रवीण और सतीश के YouTube चैनल नो लॉजिक फिल्म्स के पीछे का दिमाग, जिनका वीडियो 3.0 वर्सेस ईगा सोशल मीडिया पर कई मशहूर हस्तियों के विज्ञापन को आकर्षित करने के बाद वायरल हो रहा है, जो अपने घर में आराम से काम करते हैं, अपने वीडियो अभिनय और शूटिंग को बारी बारी एनिमेट करने का काम भी करते हैं। उनका ये वीडियो उनके घर बैठे कंप्यूटर पर 100 घंटे की मेहनत का फल है, जो बिल्कुल न्यूटन की ग्रेविटी की डिस्कवरी के सेब जितना मीठा है। 3.0 वर्सेस ईगा डायरेक्टर एस शंकर की फिल्म रोबोट 2.0 से एक्शन फिगर के आकार का बॉट कुट्टी और एसएस राजमौली की फिल्म ईगा से नानी नाम की एक छोटी सी मक्खी है। ये एक ऐसा वीडियो है जिसे रिलीज होने के एक हफ्ते से भी कम समय में 500,000 से अधिक बार देखा गया है। वहीं सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये फेस ऑफ, क्योंकि रोबोट 3.0 में कुट्टी को काफी छोटे आकार का रोबोट दिखाना जाना था, और वहीं ये आकार एक मक्खी के बराबर होगा ये बात अभी तक कंफर्म नहीं की गई, लेकिन हो सकता है ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद डायरेक्टर शंकर को 3.0 के लिए एक नया आइडिया ही मिल जाए। इस वीडियो के वायरल होने का श्रेय सतीश रजनीकांत के फैन बेस को दे रहे हैं, और फिल्म 2.0 के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर ने भी इस वीडियो की खूब तारीफ की। अब तो लगता है इस वीडियो को YouTube पर जाकर देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो के अलावा सतीश और प्रवीण ने 2.0 चिट्टी वर्सेस जोम्बी के बीच की इसी तरह की वीडियो बनाई थी, जिसने भी तक 12 मिलियन हासिल हो चुके हैं, और वहीं एक राउंड तो चिट्टी और कुट्टी के बीच भी बनता है अपनी अपनी शक्तियों के साथ, जिसमें देखना रोमांचक होगा कि कैसे कुट्टी का छोटा आकार चिट्टी के मानव आकृति में आगे टिकता है, तो किस पर बोली लगाएंगे आप? वहीं सुपरस्टार रजनीकांत कोरोना वायरस महामारी के दौरान पिछले कुछ महीनों से शूटिंग से दूर है। लंबे समय के बाद अभिनेता ने अब अपनी आगामी फिल्म अन्नाथे की शूटिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन मौजूद स्थितियों और रजनीकांत के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अपने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। लिहाजा अन्नाथे के निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग अगले साल तक के लिए टाल दी है। तो क्या 2021 में नहीं आएगी थलाइवा की कोई भी फिल्म? क्या रोबोट 3.0 के लिए करना पड़ेगा दर्शकों को एक साल लंबा इंतजार? बता दें, अगर थलाइवा की सेहत और माहौल में सुधार आया तो रजनीकांत फिल्मों की शूटिंग फरवरी से शुरू कर देंगे। तो घबराइए मत, हम बात कर रहे हैं रजनीकांत की, जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द का नामो निशान ही नहीं है। वहीं रोबोट 3.0 अन्नाथे के अलावा एक और खास फिल्म का रजनी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हम बात कर रहे हैं अपने 70वें साल की ओर प्रस्थान करते हुए एक ऐसे कलाकार की, जिन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों से एंटरटेन किया, जिनकी जीवनी देखने के लिए कई बच्चे तो इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यानी जो नहीं कि इतने मशहूर हैं थलाइवा। तो इसकी उत्सुकता बरकरार रखते हुए बता दें, फिल्म मेकर्स रजनीकांत की बायोपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस खबर के इससे आगे ये भी कि रजनीकांत का किरदार निभाने के लिए उनके दामाद धनुष को अप्रोच किया गया है, लेकिन क्या रजनीकांत इस फैसले को हरी झंडी दिखाकर खुद भी शामिल होंगे अपनी ही बायोपिक में, और कैसी रहेगी उनकी बायोपिक? क्या 3.0 को बनाने का आइडिया शंकर को कहां से आया? 3.0 की कहानी क्या होगी, और दुनिया के ऐसे 5 खूबसूरत रोबोट कौन से हैं जिनको देखकर आपको
प्यार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट स्टाइलिश एक्टर और साउथ के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत जो जिस भी सीन को करते हैं इस अंदाज के साथ करते हैं कि वो एक मिसाल बन जाता है। उनका चाहे गमछा उछालने का स्टाइल हो या चश्मा पहनने का स्टाइल हो, उनकी चाल ढाल सभी कुछ कल्ट बना हुआ है। और जब से उनकी रोबोट 2.0 रिलीज हुई है तब से तो उन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है और उनके फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है उनकी मच अवेटेड फिल्म 3.0 का। लेकिन 3.0 का आइडिया शंकर को कहाँ से आया? दरअसल 2.0 की शूटिंग के दौरान जब फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया जा रहा था, जैसा कि हमने फिल्म की एंडिंग में भी देखा कि एक माइक्रो रोबोट को दिखाया गया है जो एक सफ़ेद कबूतर पर बैठा है, वही आगे चलकर रजनीकांत की मदद करेगा और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन दोस्तों, 2.0 की एक खास बात और है कि इस फिल्म में रोबोट के रूप में हमें एम इजेक्शन देखने को मिली, जो रोबोट कम और एक आम लड़की ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी वजह से आम लोगों ने उन्हें छेड़ना भी शुरू कर दिया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए कि ये रोबोट है या इंसान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी ऐसे ऐसे रोबोट हैं जिन्हें देखकर आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि ये रोबोट है या इंसान? आप सीरियसली कंफ्यूज हो जाएंगे और वो इतने सुंदर है कि अगर आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको कसम से प्यार हो जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे ऐसे रोबोट बनाए हैं जो आम लोगों की तरह ही बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस रोबोट की मैं बात करने वाली हूँ वो एक रोबोट गर्ल है जिसका नाम है एरिका। एरिका जापान की एक रोबोट गर्ल है जिसे जापान की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बनाया है। ये आम लोगों से बातें कर सकती है, इनफैक्ट उनके फेसेस को भी याद रख सकती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इनसे मिलने जाए तो ये आपको पहचान ले। और इतना ही नहीं, ये आपकी आवाज़ के माध्यम से भी आपको पहचान सकती है। वहीं एरिका बहुत ही खूबसूरत रोबोट गर्ल है और अपनी एक पर्सनल हॉबी भी रखती है, इनको कार्टून देखना बेहद पसंद है। बढ़ते हैं अगली रोबोट गर्ल की तरफ जिसका नाम है मार्क वन। दोस्तों, मार्क वन को हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया है और ये बेहद ही खूबसूरत रोबोट गर्ल है। इनफैक्ट इसकी स्किन को सिलिकॉन के माध्यम से बनाया गया है जिससे कि ये एक आम लड़की की तरह लगती है। और मार्क वन के 70% बॉडी पार्ट को 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। ये आम लोगों से बातें कर सकती है और उनके साथ अपने विचार को भी साझा कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप इस रोबोट गर्ल को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये बदले में फेस एक्सप्रेशन के साथ आपको रिप्लाई भी देती है, जैसे कि गुस्सा करना या फिर शर्माना या फिर नाराज होना, ये सब कुछ ये रोबोट गर्ल कर सकती है। वहीं दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया कि इस रोबोट गर्ल की शक्ल किससे मिलती है? दरअसल इस रोबोट गर्ल को हॉलीवुड की बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन की शक्ल दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस रोबोट की मैं बात करने वाली हूँ वो इतना शानदार रोबोट है कि लोग इसे रोबोट मानने से ही इनकार कर देते हैं। जब भी इसे लोग देखते हैं तो कहते हैं ये एक इंसान है और सिर्फ रोबोट बनने की एक्टिंग करता है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये एक रोबोट है जिसका नाम है जेमिनॉइड डीके और इसे बनाने वाले साइंटिस्ट ने इसे अपनी ही शक्ल दी है। जैसे कि रोबोट में हमने देखा था कि वशीकरण रोबोट चिट्ठी को अपनी ही शक्ल देते हैं, ठीक उसी तरह। अब जिस रोबोट गर्ल की मैं बात करने वाली हूँ वो 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इसे भी हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया है और ये अब तक की सबसे हाईएस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मानी जाती है। जी हाँ, ये रोबोट इतनी समझदार है कि जब भी आप इनसे बात करते हो ये आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से चीज़ें सीखती है ताकि ये जब भी नेक्स्ट टाइम किसी पर्सन से मिले तो उन चीज़ों का खास ध्यान रख सके। और इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये आम लोगों के साथ बातें कर सके और उनके साथ काम भी कर सके। इनफैक्ट दुनिया भर में सोफिया के काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू भी लिए गए हैं। इनफैक्ट सोफिया की इंटेलिजेंसी को देखते हुए सऊदी अरब ने इनको नागरिकता भी दे दी थी जिसके माध्यम से ये एक आम इंसान की तरह ही अपनी लाइफ मौलिक अधिकारों के साथ जी सकती है और उनका हनन होने पर विरोध भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे रियल लाइफ रोबोट हैं जो असल में इतने खूबसूरत हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं कि फिल्मों में इन्हीं को इंस्पिरेशन बनाकर फिल्में बनाई जाती हैं। तो आपको इन सभी रोबोट में से कौन सा रोबोट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सी रोबोट गर्ल आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमें कोई कंटेंट बेस्ड वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर
क्या रोबोट 3.0 से पहले ही एक स्टूडेंट बना डालेगा रोबोट 4.0 डायरेक्टर शंकर के लिए? वहीं एक्टर रजनीकांत से कौन से उनके पुराने सहकलाकारों ने मांगी मदद और क्यों? 69 साल के एक्टर रजनीकांत ने अपनी फिल्म करियर में न जाने कितने ही नामचीन सितारों के साथ काम किया है। वहीं इन्हीं एक्ट्रेस में से एक एक्टर थावसी भी हैं, जो फिलहाल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनकी आंखों में से आंसू और होठों पर से दर्द भरे शब्द झलक उठे। आपने कई बार कभी सोशल मीडिया पर तो कभी आमने सामने अपने चहेते सितारों को देखा होगा। वहीं कुछ ऐसे भी एक्ट्रेस रहे होंगे जिन्हें देख आपके मन में आवाज निकल के आई होगी कि मेकअप से क्या कुछ नहीं हो सकता, या फिर ये ऐसा नहीं दिखते हैं। कई कलाकार ऐसे भी रही हैं जो एक समय में लोगों के चहेते हुआ करते थे, मगर जब वक्त ने साथ देना छोड़ दिया तो दुनिया में से उन्हें भूल ही गई। ऐसे कई स्टार्स के साथ देखने को मिले हैं। कोरोना टाइम में वैसे भी सभी का जीवन किसी न किसी तरह से तो प्रभावित किया ही है। हाल ही में एक साउथ के एक एक्टर सुर्खियों में आए और जो इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं। रजनीकांत समेत कई बड़े स्टार्स ने साथ काम करने वाले एक्टर थवासी बीमारी और लाचारी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपना हाल बयां करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एक्टर का वजन पहले से काफी घट गया है। एक्टर हाथ जोड़कर मदद की गुजाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर कह रहे हैं कि मैंने साल 1993 में आई फिल्म किज़ुहुकु चिमाइले से लेकर रजनीकांत की फिल्म अन्नाथे में काम किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। थवासी ने फिल्म कलाकारों से कैंसर के इलाज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। एक्टर प्रोड्यूसर शिवा कार्तिकेयन ने थवासी के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया, मगर थवासी अपेक्षा रखते हैं कि रजनीकांत उनके मदद करें ताकि ठीक तरह से उनका इलाज किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रजनीकांत अपने पुराने सह कलाकार की मदद करने आएंगे। वैसे ही इलेक्शन का समय पास आता जा रहा है तो थलाइवा इस मौके पर चौका लगाने वाले जरूर रहेंगे। वहीं इस मदद को वह नेता के तौर पर करेंगे या फिर एक सह कलाकार और दोस्त के तौर पर, यह तो समय ही बताएगा। वहीं समय तो लगता है इस इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के पास बेहद है, जिसने रोबोट 2.0 के रिव्यू में फिल्म के साथ डायरेक्टर शंकर की धज्जियां उड़ाई। अब आप एक काल्पनिक फिल्म को असलियत से जोड़ने लगे तब फिल्मों से एंटरटेनमेंट निकल जाता है। काल्पनिक का मतलब यह नहीं है कि आप साइंस को चैलेंज करने लग जाएं, बल्कि एक ऐसी दुनिया जहां आप साइंस की पॉसिबिलिटीज को चैलेंज कर सके। अब देखिए ना, स्टूडेंट ब्लॉगर ने यहां तक कह दिया कि कुट्टी के बाद वो पक्की कुट्टी का किरदार निभाने खुद उतरने चाहेंगे, ताकि दर्शकों को विग लगाए टाइट सूट पहने एक अधेड़े उम्र के हीरो का काम उम्र में ना देखना पड़े। वहीं जब सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग के विरुद्ध लोग नारे लगा रहे हैं, तो क्या कलाकारों की उम्र को लेकर इस तरह के रिव्यूज, स्टेटमेंट्स या कमेंट सही हैं? मानो रोबोट 2.0 दर्शकों का दिल जीतने में असफल रहे। डायरेक्टर अपनी कल्पना लोगों को ठीक तरह से नहीं दिखा सके, लेकिन फिल्म से जुड़े सामाजिक संदेश को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिल्म 3.0 में कुट्टी के एक मिनी रोबोट के तहत क्या कारनामे दिखाए जाएंगे या साथ ही कौन से नए सितारे फिल्म में जुड़ेंगे, इसका भी सबको इंतजार है। वहीं क्या है थलाइवा रजनीकांत की फिल्म से जुड़ी अलग किरदार? गॉगल्स को घुमाने से लेकर ग्रीन स्क्रीन पर काम कर चुके रजनीकांत ने अपने जीवन में हर तरह के किरदार निभाए हैं। रजनीकांत विकास के अभिन्न चरणों से गुजरे हैं। एक नष्ट धर्मी अभिनेता, एक सुपरनोवा, एक मेटा स्टार, संग्रहालय आर्टिफैक्ट और आखिरकार एक कंप्यूटर जनित एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। उन्होंने बॉलीवुड में अंधा कानून और गिरफ्तार जैसी फिल्मों में एक छोटा लेकिन यादगार करियर बनाया। तमिल लहजे में पंच डायलॉग दिए और पूरे भारत को सिगरेट पीना सिखाया। अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो बंदूक से काम चलाया जा सकता है। इसके बाद 1980 के दशक में बॉलीवुड की फिल्मों में तमिल वर्जन की तमिल दर्शकों में पॉपुलैरिटी बनाना। वहीं अपने जीवन के 69 वर्ष पूरे कर चुके एक एक्टर की कौन सी फिल्मों के इंतजार में हैं आप? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्रैड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या प्लान्स हैं रोबोट के डायरेक्टर के फिल्म 3.0 को लेकर? क्या इस बार चिट्टी सुपर हीरोज की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है? क्या बनाया जाएगा फिल्म का तीसरा पार्ट 3.0? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में। दोस्तों 2018 में आई भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म रोबोट 2.0 एक मेगा बजट वाली फिल्म थी, जिसके लिए सभी दर्शक इसके फ्लोर पर आने से पहले ही काफी उत्सुक थे। सभी के मन में रजनीकांत को एक बार फिर से चिट्टी के किरदार में देखने के लिए उत्सुकता थी।
वहीं उत्सुकता को और बढ़ाया गया जब सुनने में आया कि बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर अक्षय कुमार इस फिल्म में एज अ विलेन नजर आने वाले हैं। हालांकि अक्षय अपनी फिल्मों में विलेन का किरदार नहीं करते, लेकिन इस फिल्म की बात ही अलग थी। ऊपर से रजनीकांत के साथ काम करने का मौका और एकदम हटके किरदार और कहानी, ये सभी फैक्टर्स को देखते हुए अक्षय इस फिल्म से के लिए झट से राजी हो गए थे। फिल्म की बात करें तो 600 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था। वहीं किरदारों और टेक्नोलॉजी के मामले में फिल्म उम्मीदों पर खड़ी उतरी। अक्षय कुमार को इस फिल्म में एक साइंटिस्ट का किरदार दिया गया था, जो टेक्नोलॉजी और बढ़ती तकनीकों की वजह से पक्षियों को पहुंचने वाले नुकसान से बेहद चिंतित थे। अक्षय कुमार की तकनीक के खिलाफ इस लड़ाई में वो गुजर तो जाते हैं, लेकिन कई गुना शक्तिशाली रूप में वापस लौट आते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से ही लोगों से बदला लेते हैं और फिर उन्हें रोकने के लिए रोबोट चिट्टी को वापस बुलाया जाता है। इस फिल्म में चिट्टी के साथ एमी जैक्सन भी एक रोबोट के किरदार में नजर आई थी। क्रिटिक्स ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत और अक्षय की परफॉर्मेंस, साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने के लिए सराहना की और अप्रिशिएट भी किया। फिल्म ने विश्व भर में 700 करोड़ की कमाई की थी और रजनीकांत की पिछली फिल्म लिंगा से अब तक के जीवन काल की कमाई को केवल 2 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने पार कर लिया। तमिल के साथ साथ फिल्म को 13 और अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म का रिलीज होने से पहले ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उनका सपना था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड कायम करे। जहां साइंटिफिक फिल्में कम ही देखने को मिलती हैं, वहां इतनी मेहनत और टेक्नोलॉजी के दम पर बनाई गई इस फिल्म से सभी को बहुत उम्मीदें थी और ये सुपरहिट साबित भी हुई। आपको बता दें कि इस फिल्म के तीसरे भाग यानी कि रोबोट 3.2 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर चाहते हैं कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्तर पर रिलीज किया जाए, जहां सुपर हीरोज की लिस्ट में सबकी जुबा पर रोबोट चिट्टी का ही नाम आए और ये फिल्म एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में बदल जाए। अब हो सके तो इसके लिए वो इंडियन सिनेमा के दूसरे सुपर हीरोज को भी चिट्टी से मिलाने में नहीं कतराएंगे। निर्देशक ने हाल ही में बताया है कि वे 3.2 बनाने का सोच विचार कर रहे हैं, जहां रजनीकांत का नजर आना भी पक्का है। वो चाहते हैं कि रोबोट के पार्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा वो तभी करेंगे जब एक बेहद ही क्रिएटिव स्क्रिप्ट उनके हाथ लगेगी। वे सिर्फ बनाने के मकसद से इस फिल्म को नहीं बनाएंगे, बल्कि एक बेहतरीन स्टोरी के मामले में भी इस फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करेंगे, जिसे ऑडियंस एंजॉय कर पाए। अब इतनी बड़ी फिल्म बनाने में समय लगना भी पक्का है, जहां साथ ही सेट, VFX, स्क्रीन प्ले, विजुअल्स, कॉस्ट्यूम्स और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब शंकर का कहना है कि अगर कोई बेहतरीन स्टोरी उनके हाथ लगती है तो वे जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। फिलहाल तो उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वे रावण या क्रिश जैसे सुपरस्टार्स को भी स्क्रीन पर लाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आप भी चिट्टी के साथ बाकी सुपर हीरोज को देखना पसंद करेंगे, या फिर एक नए सुपर हीरो की एंट्री में होनी चाहिए इस फिल्म में? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है रजनीकांत की फिल्म रोबोट। बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन ने ठुकराई थी और क्यों रोबोट की तीसरी कड़ी में दिखाई देने वाली हैं वह बी टाउन अभिनेत्री? कैसे फिल्म रावण और रोबोट के बीच एक अनदेखी प्रतियोगिता शुरू की गई फैंस के द्वारा? रोबोट 2010 में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी जो कुछ दर्शकों के लिए नया था। वहीं रजनीकांत द्वारा निभाया गया चिट्टी रोबोट का किरदार अविश्वसनीय था। उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया। चिट्टी के किरदार के साथ फिल्म में उनका डबल रोल भी था, जिस किरदार में उन्होंने साइंटिस्ट वशीकरण की भूमिका निभाई थी। वहीं उनके साथ फिल्म में बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकार ऐश्वर्या राय भी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में ऐश्वर्या अगर ना होती तो डायरेक्टर शंकर प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म को बनाने वाले थे। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने 2010 में फिल्म अनजाना, अनजानी और प्यार इम्पॉसिबल की थी। 2010 बेशक प्रियंका का ना रहा हो, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन, रजनीकांत और फिल्म रोबोट के लिए जरूर था। फिल्म रोबोट को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला और मिलते ही क्यों ना आखिर अपने क्रिएटिव दिमाग के पिटारे से फिल्म की कहानी लेकर आए थे डायरेक्टर एस शंकर। जब फिल्म रोबोट को काफी प्यार मिला, वहीं दर्शकों ने इससे पहले स्टार प्लस पर प्रसारित ड्रामा करिश्मा का करिश्मा में एक मानव रोबोट देखा था, लेकिन यह रोबोट एक छोटी सी बच्ची थी जो एक इंसान जैसी दिखती थी, चलती भी थी, लेकिन थी एक रोबोट।
मजेदार बात यह है कि फिल्म और शो के दोनों रोबोट में इंसान के बीच रहते रहते इमोशंस डेवलप होने लगे थे। लेकिन क्या असल जिंदगी में यह मुमकिन है कि रोबोट में भी इमोशन हो सकते हैं? इसका खुलासा तो हम रोबोट डेवलपर्स पर छोड़ देते हैं। लेकिन रोबोट को सिटीजनशिप मिलाना कोई चौंका देने वाली बात नहीं। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। क्यों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई से इंसानों के बीच एक नागरिक के तहत रही सोफिया नामक रोबोट, जो कि आज किसी भी हॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जो कई नामी टीवी शो में अपनी प्रस्तुति भी कर चुकी है। वहीं फिल्म रोबोट के डायरेक्टर ने 2018 में रोबोट 2.0 बनाई, लेकिन अपनी पहली फिल्म की तरह इस फिल्म को उतनी प्रशंसा नहीं मिल पाई। फिल्म में अक्षय कुमार ने विलेन के तौर पर पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखे थे, लेकिन उन्हीं कदमों के साथ उन्होंने बैक टू पवेलियन वाली बॉलीवुड लौटने की समझदारी दिखाई। लेकिन साउथ की फिल्म कंचना का हिंदी वर्जन बताई जा रही फिल्म लक्ष्मी ने उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया, जिसके साथ ही फिल्म के नाम को लेकर वही कॉन्ट्रोवर्सीज तो फिल्म रोबोट के साथ मानो फेविकॉल के जोड़ सी चिपक गई है, जिसका भुगतान शाहरुख खान को भी करना पड़ा। 2011 में शाहरुख खान की फिल्म रावण आई, जिससे शाहरुख खान ने भी एक रोबोट की भूमिका निभाई थी। फिल्म रावण का पूरा बजट 130 करोड़ था और SRK रोबोट सूट की कीमत 4.5 करोड़ रुपए थी। फिल्म को रजनीकांत की फिल्म रोबोट की कॉपी बताया गया, जिस वजह से रजनीकांत के फैंस ने फिल्म का बहिष्कार किया। वहीं फिल्म में हॉलीवुड के मशहूर सिंगर आइकॉन ने भी रैप गाया, जो फिल्म के आकर्षण रहा, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ा। वहीं जब बात रावण में शाहरुख के महंगे सूट की आई है, तो थलाइवा की फिल्म रोबोट में उनके द्वारा पहना गया सूट भी 3 करोड़ का था। वहीं फिल्म की तीसरी कड़ी यानी रोबोट 3.0 की बात करें, तो इसमें एक बार फिर रजनीकांत मानव रोबोट के किरदार में देखे जाएंगे, लेकिन इस बार उनके लुक बदला जा रहा है। वहीं दर्शकों के बीच रोबोट 3.0 में रजनीकांत के नए लुक और सूट की काफी चर्चा की जा रही है कि यह सूट आयरन मैन की तरह बात करेगा या फिर बैटमैन की तरह है, हर खतरनाक टूल से बुलेट प्रूफ होगा। फिल्म को लेकर यह भी बताया गया है कि फिल्म को इस बार 5D में बनाया जा सकता है, जो कि काफी चैलेंजिंग होगा। वहीं 2021 में नए चैलेंजेस लेकर आ रही हैं ढेर सारी साइंस फिक्शन फिल्में, जिसमें सबसे ज्यादा क्रेज मैट्रिक्स 4 और ब्लैक विडो का देखने को मिल रहा है। वहीं क्या फिल्म में एक पोकेमोन के जैसे चिट्टी कुट्टी के विकसित होने वाले हैं, और क्या पोकेमोन मास्टर की तरफ फिल्म में भी कुट्टी को कोई मास्टर होगा? आपको क्या लगता है, हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के खास वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही 2021 में आने वाली नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिलचस्प फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट। रजनीकांत को अपने 70वें जन्मदिन पर मिला एक खास तोहफा। इस खास तमिल फिल्म के पोस्टर में नजर आई थलाइवा की छवि। और क्या रोबोट 2.0 फिल्माई जानी थी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान और हॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ? फिर किस वजह से फिल्म में नहीं दिखाई दिए दोनों ही सितारे? तमिल सिनेमा हमेशा से ही बॉलीवुड से 2 कदम आगे रखा है। जहां बॉलीवुड में इश्क वाला लव से लेकर हुकअप तू कर लेना का नज़ारा चल रहा है, तो साउथ में टाइम ट्रैवलिंग रोबोट और कुछ ऐसी ही फिल्मी थ्रिलर फिल्में बनाई जा रही हैं, जिसे देखकर बॉलीवुड को भी इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। जल्द ही तमिल सिनेमा इसी लीक से हटकर चलने वाली फिलॉसफी को 2010 की फिल्म रोबोट के डायरेक्टर एस शंकर के साथ आगे बढ़ाने जा रहा है। डायरेक्टर शंकर साल 2021 में अपनी 2 बड़ी और सफल फिल्में इंडियन 2 और रोबोट 3.2 का ऐलान करने जा रहे हैं। दोनों ही फिल्में अपनी मूल फिल्मों की अगली कड़ी हैं। रोबोट 3.2 2010 की फिल्म रोबोट की तीसरी कड़ी है, जिसकी दूसरी कड़ी 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म का मुख्य आकर्षण चिट्टी रोबोट था, जो कि अपने कारनामों से दुश्मनों की बैंड बजाता है और बच्चों का मनोरंजन भी करता है। तो इंडियन 2 कमल हसन की 1996 की फिल्म है, जिसे दोबारा कमल हसन ही के साथ ही 2021 में बनाया जा रहा है। बात करें 2018 की 2.0 की, जिसमें बॉलीवुड सितारे अक्षय कुमार विलन की भूमिका निभा रहे थे, तो आपको बता दें इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म में पहले चिट्टी रोबोट का किरदार बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान निभाने वाले थे, और अक्षय कुमार का विलन वाला किरदार हॉलीवुड के टर्मिनेटर यानी कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर निभाने वाले थे। लेकिन डायरेक्टर शंकर की माने तो ये काफ़ी आम बात है। फिल्मों में पहले आप किसी एक्टर के पास जाते हैं, और जब वो उस किरदार को निभाने में इंटरेस्टेड नहीं होता तो आप दूसरे एक्टर को अप्रोच करते हैं। डायरेक्टर ने आगे बताया कि रजनीकांत 2014 में अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ठीक नहीं महसूस कर रहे थे, जिस वजह से दूसरे एक्टर्स को अप्रोच किया गया, लेकिन फिल्म लिंगा से उन्हें 2.0 करने का कॉन्फिडेंस मिला।
लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि दर्शक आमिर खान और अर्नोल्ड के साथ रोबोट 3.2 को 3D में देखने का जरूर पसंद करेंगे। डायरेक्टर शंकर फिलहाल तो चिट्टी से पहले कमल हसन के साथ इंडियन 2 बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रोबोट 3.2 से पहले एक शॉर्ट साइंस फिक्शन क्रॉसओवर फिल्म बनाई जाए जिसमें चिट्टी, क्रिश और जीवन को एक दूसरे की शक्तियों से रूबरू कराया जाए। लेकिन उससे भी पहले कोई है जो रजनीकांत को कॉपी करते हुए देखे गए, तो कौन है वो? ये हैं तमिल सिनेमा के उभरते सितारे हरीश कल्याण, जिस संगीत निर्देशक युवान शंकर राजा और निर्देशक एलन के साथ 2018 की रोमांटिक मनोरंजन प्यार प्रेमा काकथल की सफलता के बाद एक बार फिर से जुड़ने जा रहे हैं। फिल्म फरवरी 2021 के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म का टाइटल है स्टार, जिसमें हरीश कल्याण की कई अलग अंदाज देखने को मिलेंगे। फिल्म का पहला पोस्टर थलाइवा के जन्मदिन पर रिलीज हुआ। पोस्टर में हरीश का लुक सुपरस्टार रजनीकांत की 1991 में आई फिल्म दलपति से मिलता जुलता है। हरीश कल्याण ने अपने फिल्म के फर्स्ट पोस्टर को साझा करते हुए रजनीकांत के बारे में लिखा, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं धन्य हूँ आपके इस आइकॉनिक किरदार को मुझे बड़ी स्क्रीन पर निभाने का मौका मिला है। फिल्म के दूसरे पोस्टर में हरीश को बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान से हुबहू अंदाज में कॉपी करते हुए देखा गया था। तो क्या ये फिल्म लोकप्रिय अभिनेताओं की जीवनी पर आधारित होगी और क्या रोबोट 3.2 में कोई मिल गया का जादू भी दिखाई दे सकता है? आप फिल्म में किसे देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की हमारी कैसा है रोबोट 3.0 के कुट्टी की अमेजिंग डॉल का अवतार, कौन से फीचर्स हैं इसमें और क्या है इसकी खास बात, और क्या आप जानते हैं कैसे मानव को जिसमें जान ही नहीं, क्या है इस मानव की गुत्थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम फिल्म रोबोट 3.0 से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। हम कपिल शर्मा के शो वाली गुत्थी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे मानव की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसने हमको उलझा के रख दिया है। मानव भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे दिवाकर वैश द्वारा ए सेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। मानव रोबोट फिल्म के चिट्टी की तरह तो नहीं दिखता, लेकिन चिट्टी भी रोबोट के जैसा ही का ही दिखता है क्या, और दिखेगा भी कैसे? सोफिया तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, दुबई की रोबो सिटीजन सोफिया अभी तक की पहली ऐसी रोबोट है जिसका हुलिया या फिर कहें आर्किटेक्चर एक इंसान की तरह दिखता है, लेकिन ये भी केवल 50% ही है। लेकिन चिट्टी जैसा हूबहू इंसानी रोबोट अभी तक कहाँ सामने नहीं आया है। रोबोट महज एक साइंस फिक्शन फिल्म है, और आपको मालूम है जिस तकनीकी से एक रोबोट को इंसान जैसे प्रोग्राम किया जाता है जिसकी मदद से वो इंसानों जैसे बात कर सके, चल सके, और उसे क्या कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या आपने ये टर्म सुना है पहले? नहीं सुना? अरे चिट्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीता जागता उदाहरण है। वहीं आयरन मैन के जोविस को तो आप जानते ही हैं ना, ये फिर टार्जन द वंडर कार याद है? बस वही, देखिए कितनी एडवांस्ड हो गई है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में ऐसे भी गैजेट्स या फीचर्स असलियत में इस्तेमाल करने को मिल सकते हैं। लेकिन कार में भूत वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं फिल्म टार्जन द वंडर कार की गाड़ी में अजय देवगन का भूत दिखाया गया था। आप शुक्र मानो कि गाड़ी पेट्रोल के बजाय विमल नहीं खाते हुए दिखाई दी, वरना इंजन पानी नहीं जुबा केसरी मांगती। अरे लेकिन हम मानव द रोबोट के बारे में खास बातें बताना तो भूल ही गए। मानव 2 फीट लंबा है और बस 2 किलो का है। वहीं ये बात की करता है और आपकी आवाज पहचान कर आपकी ओर देख कर जवाब भी दे सकता है। और क्या आप जानते हैं, मानव चल सकता है, दौड़ सकता है, और यहाँ तक कि बिना पैग मारे डांस भी कर सकता है। बस एक वायरस कमांड की देर है। और अब देखिए ना कितना तो आज्ञाकारी है मानव, इतने आज्ञाकारी तो आजकल की असली मानव भी नहीं है। काश इंसान को भी ऐसे कमांड देकर काम करवा लिया जाए तो कितनी आसानी होती हमारी लाइफ में। और वैसे ये काम तो सदियों से इतनी ही आसानी के साथ हमारी मम्मी लोगों ही करवा लेती हैं हमसे, बस एक चप्पल की देर है। लेकिन
मानव रोबोट में तो ढेर सारे फीचर्स हैं। ये रात के अंधेरे में उल्लू की तरह देख सकता है, अपनी गर्दन इधर उधर मोड़ कर भी आपको हाँ और ना में जवाब दे सकता है, और ये पोर्टेबल भी है, 2 फीट लंबा और केवल 2 ही किलो का तो वजन है। आराम से बैग में डालो और ले जाओ जहाँ अपना मन चाहे। लेकिन क्या आपको मानव चिट्टी के छोटे वर्जन कुट्टी की तरह नहीं लग रहा? वही छोटा आकार और वैसे ही मिलते जुलते फीचर्स, और अब तो अमेजोन पर कुट्टी की रोबोट डॉल भी आ चुकी है। ये बोल सकता है, लेकिन सिर्फ वही बातें जो पहले के इंसान अंदर डाली गई थी। फिल्म में डायरेक्टर एस शंकर पर हमको पूरा भरोसा है, आखिर टॉप 3 तमिल सिनेमा डायरेक्टर्स में से एक हैं वो। और डायरेक्टर का दबदबा इसी बात से पता चलता है कि वो पहले ऐसे डायरेक्टर होंगे जो कोरियाई ड्रामा की ब्यूटीफुल और सफल एक्ट्रेस बे सूजी का इंडियन डेब्यू करने जा रहे हैं। तो कहाँ है आर्मी, सुन रहे हैं ना आप? कोरिया पॉप बैंड एक्सो के बाद अब ये एक्ट्रेस भी इंडिया आ रही हैं। मगर कौन सी है वो फिल्म जिसके लिए कोरिया की तरफ बढ़ाए हाथ डायरेक्टर प्रशांत नील ने? तो ये सारी तैयारियां एस शंकर के अगले बड़े प्रोजेक्ट इंडियन 2 के लिए की जा रही है, जिसमें मुख्य किरदार में कमल हसन, काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत और बे सूजी होंगे। वहीं क्या होगी फिल्म में बेसुजी के किरदार की कहानी? क्या रोबो 3.0 में भी लाया जा सकता है कोरिया रोबोटिक चेहरा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में। फिल्म रोबो 3.0 में कौन सी गलतियों को सुधारेंगे डायरेक्टर शंकर? वहीं क्या आप जानते हैं फिल्म में किन गलतियों की वजह से 2.0 में किए गए थे बड़े बदलाव? और क्या आयरन मैन का टेक्नोलॉजी प्रस्थ सूट कामयाब हो सकता है कुट्टी को हराने में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म रोबो 3.0 से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कि ऐसे शक्तिशाली इंसान की जिसके पीछे साइंटिस्ट, हवा में उड़ने वाले बाज और अब आयरन मैन भी पड़ गए हैं, लेकिन कौन है ये शख्स? ये कोई और नहीं बल्कि बच्चों के चहेते चिट्टी रोबोट यानी रजनीकांत है। जी हाँ, रोबोट की सफलता के चलते डायरेक्टर्स एस शंकर रोबोट 3.0 बनाने के लिए काफी उत्साहित है। लेकिन क्या 2.0 की असफलता 3.0 की डायरेक्शन में रंग में भंग तो नहीं डाल देगी? इसका भी हल है शंकर के पास। फिल्म 2.0 की स्टोरी लाइन जहाँ काफी कमजोर रही, लेकिन फिल्म का डायरेक्शन जबरदस्त था, जिसे देखते हुए 3.0 की कहानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। समय के साथ डायरेक्टर अपनी इन साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए सुधार करते जा रहे हैं, और तमिल फिल्म निर्माता कभी ऐसी फिल्मों का सीक्वल बनाने में सफल नहीं रहे जो पहले भाग से बेहतर रही हो। सेमी 2 से लेकर बिल्ला 2 तक यही देखा गया। शंकर के पेट थपथपानी चाहिए इस श्राप को तोड़ने के लिए। ये कहना सुरक्षित है कि रोबोट 2.0 अपनी पहली फिल्म से तकनीकी तौर से आगे थी। पैमाने और एक्शन सीक्वेंस के संदर्भ में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2.0 भारत की सबसे महंगी फिल्म थी जो रोबोट से बेहतर थी जो एक छोटे बजट पर बनाई गई थी। 2.0 में डायरेक्टर ने पूरे तरह से गाने के सेट और सीक्वेंस पर खर्चा किया था। वे चाहते थे कि 2.0 में इस्तेमाल होने वाले हर फ्रेम का कोई ना कोई तो महत्व हो, जो पॉइंट फिल्म रोबोट से गायब था। अब फिल्म रोबोट में दर्शकों को चिट्ठी के किरदार को समझने और पसंद करने में बहुत समय लगा। 2.0 के पास इस तरह के बिल्डअप का समय नहीं था, और फिल्म में एक शक्तिशाली खलनायक था जिसके साथ चिट्ठी को हिसाब पूरा करना था। और डॉक्टर बोहरा पहले भाग में एक नंदित खलनायक थे, और वे सिर्फ रेड चिट्ठी यानी 2.0 को लाने का जरिया थे। 2.0 पक्षीराज के बारे में थी, और वे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पूरी फिल्म में सबसे शक्तिशाली किरदार है। लेकिन उसके शक्तियों के पीछे लगाई गई साइंस और लॉजिक में काफी गड़बड़ी की गई, जिसका फायदा उठाया क्रिटिक्स ने। पहले भाग के VFX को कार्टूनिस्ट और अस्थिर होने के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, और फिर 2.0 में भी कुछ सामनाएं थी, लेकिन ये निश्चित रूप से शंकर की पहली साइंस फिक्शन फिल्म से बेहतर थी। वहीं 2.0 के इन सभी कारणों को समझते हुए शंकर फिल्म 3.0 में एक नए और बेहतर बदलाव लाएंगे, जहां कुट्टी एक माइक्रो रोबोट होगा और जिससे बदलती टेक्नोलॉजी के साथ ढलना होगा। वहीं आकार के हिसाब से अब उसके दुश्मन भी बदल जाएंगे। वो मक्खी, चींटी, केचुए और छोटे बच्चों से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले अंग्रेजी फिल्म हनी आई श्रंक द किड्स में भी देखा जा चुका है, जिसमें कुछ शरारती बच्चे अपने साइंटिस्ट पिता द्वारा छोटा कर देने वाली गन से छोटे हो जाते हैं। लेकिन कुट्टी एक रोबोट है और वो अकेला नहीं है।
उसके साथ उसके जैसे और भी कुट्टी रोबोट्स हैं, जो समय समय पर कभी एक ड्रोन तो कभी एक बॉल के आकार से जुड़ जाते हैं। जमीन और आसमान के बाद कुट्टी का अगला दुश्मन कहाँ है आएगा? अब खबर ये है कि दुश्मन एक थ्री डायमेंशनल वायरस होगा, जो वसीकरण के कंप्यूटर से निकलकर कुट्टी की पूरी फौज में एक ऐसा वायरस डाल देगा, जिसके बाद आएगा कहानी में एक नया ट्विस्ट। छोटे छोटे कुट्टी कर देंगे सबकी छुट्टी। इन वायरस के लिए कहा है ये आएगा एंटीवायरस, और वायरस के बाद कुट्टी की फौज क्या तबाही बचाएगी? वहीं एक सवाल ये खड़ा उठता है, क्या कुट्टी इतना शक्तिशाली किरदार होगा कि आयरन मैन के सूट जॉबर्स को भी टक्कर दे सकेगा? जहां आयरन मैन के पास जॉबर्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवच है, वो उड़ सकता है, किसी भी बंदूक की गोली को झेल सकता है और मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, वहीं कुट्टी खुद एक चलता फिरता जॉबर्स है। जॉबर्स टोनी स्टार की कमांड पर चलता है और कुट्टी एक सेल्फ प्रमोटेड रोबोट है। जॉबर्स को शायद ही टोनी स्टार के साथ हराया जा सके, लेकिन उससे बिना टोनी की उपस्थितियों में कुट्टी के आकार का फायदा उठाते हुए डिमस्टेल जरूर किया जा सकता है। आपका क्या कहना इस बारे में हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो के स्क्रिप्ट ऐसा कौन सा काम है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देने वाले अभिनेता रजनीकांत नहीं कर सके? और दोस्तों, क्या रजनीकांत की 2010 की फिल्म रोबोट थी इस कार्टून कैरेक्टर पर आधारित? और कैसे इस कार्टून कैरेक्टर ने किया इस डायरेक्टर एस शंकर को फिल्म बनाने के लिए प्रेरित? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। मैं निकी गरिमा अरोड़ा आज आपसे बात करने वाली हूँ फिल्म रोबोट 3 के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स और फैक्ट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखेगा। दोस्तों, क्या आपको वो कार्टून याद है जिसमें एक रोबोट पुलिस हुआ करता था और उसके हेलमेट में एक लाल रंग की लेजर दिखाई देती थी? ये एक अमेरिकी कार्टून शो रोबोकॉप था, जी हाँ दोस्तों, जो 90 के दशक में टीवी पर दिखाया जाता था। इस कार्टून में जो रोबोट था वो बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया, जैसे रोबोट को गोलियों की रासलीला के बजाय एक लेजर लाइट दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2009 में भी एस्ट्रोबॉय नाम से एक कार्टून सीरीज प्रसारित हुई थी, जिसमें अपने साइंटिस्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने पर एंड्रॉइडलेस रोबोट लड़का असल दुनिया में कदम रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर सुनी सुनी सी लगती होगी। साइंटिस्ट रोबोट असल दुनिया में रोबोट का कदम रखना, अरे दोस्तों ये तो आपको जरूर चिट्ठी की याद दिला रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चिट्ठी की ही बात हो रही है। चिट्ठी को हालांकि साइंटिस्ट वसीकरण ने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसकी टेस्टिंग करने के लिए उसे बाहरी दुनिया से रूबरू कराया गया। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोबॉय रोबोकॉप और चिट्ठी में समान बात जो थी वो ये कि तीनों ही रोबोट थे और तीनों ही रोबोट में इंसान के इमोशंस डेवलप होते दिखाई दिए गए। जी हाँ दोस्तों, और इस ट्विस्ट ने उनके आसपास रह रहे लोगों, दोस्तों और जानकारों के बीच नई मुसीबतें खड़ी कर दी थी। और जब इन सब से भी बात नहीं बनी तो कदम कदम पर विलेन की एंट्री भी दिखाई गई है। हमारे फिल्म निर्माता भी बहुत चालाक हो गए थे, उन्होंने हीरो के हिसाब से फिल्म में विलेन खड़े करने शुरू कर दिए। अब दोस्तों, फिल्म रोबोट को ही ले लीजिए, जब हीरो एक रोबोट था तो उसके सामने विलन कोई ड्रग डीलर, डॉन या माफिया नहीं, बल्कि एक साइंस फिक्शनल किरदार पक्षी राजा खड़ा कर दिया गया। मतलब विलन भी टक्कर का होना चाहिए ना। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान के सामने अगर पक्षी राजा को खड़ा कर दिया जाता तो क्या सुल्तान उसके साथ भी कुश्ती कर देते? नहीं दोस्तों, जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होवे है, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से और पहलवान की पहलवान से है, वैसे एक साइंस फिक्शन हीरो की फाइट भी एक साइंस फिक्शन विलन से ही होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रोबोट पहली ऐसी फिल्म नहीं थी या कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं था जो लोगों को पहले से मालूम ना हो, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई की थी। तो क्या था फिल्म की सफलता का राज? वह राज था एस शंकर और रजनीकांत का फिल्मी संगम। जी हाँ दोस्तों, रोबोट से पहले इस डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी ने 2007 की फिल्म
शिवाजी द बॉस में भी कुछ ऐसा ही जादू बिखेरा था दर्शकों पर, जिसका परिणाम था एक सुपरहिट फिल्म। जी हाँ दोस्तों, जहाँ रोबोट 2.0 के आने के बाद दर्शकों को रोबोट के एडवांस वर्जन कुट्टी यानी 3.0 का इंतजार था, तो खबर आई कि रजनीकांत राजनीति से नाता जोड़ने जा रहे हैं। फैंस उन्हें थलाइवा कहते हैं, एक ऐसे लीडर जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आज थलाइवा ने पहली बार बेबसी जाहिर की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने फैंस से माफी मांगी है और कहा है कि भगवान ने उन्हें इशारा कर दिया है कि काम उनके बस का नहीं है। जिस राजनीति में आने की इच्छा या सुपर हीरो दिल में दबाए बैठे थे, बीमारी ने उसे बेबस कर दिया। रजनीकांत ने कुछ समय पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, जिसकी वजह से अभिनेता ने राजनीति की और अपने बड़ाई कदमों को वापस ले लिया है। तो दोस्तों, क्या बीमारी की वजह से फिल्मों में भी वापसी नहीं कर सकेंगे थलाइवा, और क्या रोबोट 3.0 का सपना सपना ही रह जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या प्लान्स हैं रोबोट के डायरेक्टर के फिल्म 3.0 को लेकर? क्या इस बार चिट्टी सुपर हीरोज की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है? क्या बनाया जाएगा फिल्म का तीसरा पार्ट 3.0? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में। दोस्तों, 2018 में आई भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म रोबोट 2.0 एक मेगा बजट वाली फिल्म थी, जिसके लिए सभी दर्शक इसके फ्लोर पर आने से पहले ही काफी उत्सुक थे। सभी के मन में रजनीकांत को एक बार फिर से चिट्टी के किरदार में देखने के लिए उत्सुकता थी। वहीं उत्सुकता को और बढ़ाया गया जब सुनने में आया कि बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर अक्षय कुमार इस फिल्म में एज अ विलेन नजर आने वाले हैं। हालांकि अक्षय अपनी फिल्मों में विलेन का किरदार नहीं करते, लेकिन इस फिल्म की बात ही अलग थी। ऊपर से रजनीकांत के साथ काम करने का मौका और एकदम हटके किरदार और कहानी, ये सभी फैक्टर्स को देखते हुए अक्षय इस फिल्म से के लिए झट से राजी हो गए थे। फिल्म की बात करें तो 600 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था। वही किरदारों और टेक्नोलॉजी के मामले में फिल्म उम्मीदों पर खड़ी उतरी। अक्षय कुमार को इस फिल्म में एक साइंटिस्ट का किरदार दिया गया था, जो टेक्नोलॉजी और बढ़ती तकनीकों की वजह से पक्षियों को पहुंचने वाले नुकसान से बेहद चिंतित थे। अक्षय कुमार की तकनीक के खिलाफ इस लड़ाई में वो गुजर तो जाते हैं, लेकिन कई गुना शक्तिशाली रूप में वापस लौट आते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से ही लोगों से बदला लेते हैं और फिर उन्हें रोकने के लिए रोबोट चिट्टी को वापस बुलाया जाता है। इस फिल्म में चिट्टी के साथ एमी जैक्सन भी एक रोबोट के किरदार में नजर आई थी। क्रिटिक्स ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत और अक्षय की परफॉर्मेंस, साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने के लिए सराहना की और अप्रिशिएट भी किया। फिल्म ने विश्व भर में 700 करोड़ की कमाई की थी और रजनीकांत की पिछली फिल्म लिंगा से अब तक के जीवन काल की कमाई को केवल 2 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने पार कर लिया। तमिल के साथ साथ फिल्म को 13 और अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म का रिलीज होने से पहले ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उनका सपना था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड कायम करे। जहां साइंटिफिक फिल्में कम ही देखने को मिलती हैं, वहां इतनी मेहनत तो टेक्नोलॉजी के दम पर बनाई गई इस फिल्म से सभी को बहुत उम्मीदें थी और ये सुपरहिट साबित भी हुई। आपको बता दें कि इस फिल्म के तीसरे भाग यानी कि रोबोट 3.2 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर चाहते हैं कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्तर पर रिलीज किया जाए, जहां सुपर हीरोज की लिस्ट में सबकी जुबान पर रोबोट चिट्टी का ही नाम आए और ये फिल्म एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में बदल जाए। अब हो सके तो इसके लिए वो इंडियन सिनेमा के दूसरे सुपर हीरोज को भी चिट्टी से मिलाने में नहीं कतराएंगे। निर्देशक ने हाल ही में बताया है कि वे 3.2 बनाने का सोच विचार कर रहे हैं, जहां रजनीकांत का नजर आना भी पक्का है। वो चाहते हैं कि रोबोट के पार्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा वो तभी करेंगे जब एक बेहद ही क्रिएटिव स्क्रिप्ट उनके हाथ लगेगी। वे सिर्फ बनाने के मकसद से इस फिल्म को नहीं बनाएंगे, बल्कि एक बेहतरीन स्टोरी के मामले में भी इस फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करेंगे, जिसे ऑडियंस एंजॉय कर पाए। अब इतनी बड़ी फिल्म बनाने में समय लगना भी पक्का है, जहां साथ ही सेट, VFX, स्क्रीन प्ले, विजुअल्स, कॉस्ट्यूम्स और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब शंकर का कहना है कि अगर कोई बेहतरीन स्टोरी उनके हाथ लगती है तो वे जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। फिलहाल तो उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वे रावण या कृष जैसे सुपरस्टार्स को भी स्क्रीन पर लाने के लिए तैयार हैं।
दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आप भी चिट्टी के साथ बाकी सुपर हीरोज को देखना पसंद करेंगे या फिर एक नए सुपर हीरो की एंट्री में होनी चाहिए इस फिल्म में? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसी है तेलुगु साइंस फिक्शन फिल्म बॉम्बार? क्या फिल्म रोबोट के बाद दिखेगा एक और मानव रोबोट भारतीय सिनेमा में? और क्या आप जानना चाहेंगे कितना था रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 का बजट? कौन सी हॉलीवुड फिल्म को टक्कर दे सकेगी रोबोट 3.0? बजट के मामले में रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टार फिल्म 2.0 ने भारतीय सिनेमा में एक नया कारनामा रचा था। यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा लागत वाली फिल्म बताई गई। फिल्म में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्पेशल इफेक्ट्स थे जिसके कारण भी लागत बड़ी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुबई में फिल्म के म्यूजिक रिलीज इवेंट पर करीबन 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह फिल्म साल 2010 में आई फिल्म रोबोट का सीक्वल है जिसमें रजनीकांत के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन थी, जबकि सीक्वल में रजनीकांत से टकराने के लिए अक्षय कुमार 12 अलग अलग अवतारों में नजर आए थे। फिल्म 2.0 को चीन में 15,000 से 20,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। फिल्म का बजट 1 बिलियन से ऊपर तक पहुंचा, जिस वजह से इस फिल्म की गिनी महंगी फिल्मों में ही गई। अगर फिल्म 2.0 का बजट ही हॉलीवुड की फिल्म एक्समैन के बराबर था, रोबोट 3.0 का बजट कम से कम टेनेट के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की 2010 की फिल्म इंस्पेक्शन से आसपास तो बताया जा रहा है। भारतीय सिनेमा किसी भी मामले में क्रिएटिविटी या आइडियोलॉजी में हॉलीवुड से पीछे नहीं है। अब देखिए ना, तमिल फिल्म रोबोट, तेलुगु फिल्म ओह और 24 के अलावा मलयालम फिल्म एंड्रॉइड कंजप्शन वर्जन 5.25 के साइंस फिक्शन फिल्मों का नया बेहतरीन नमूना पेश किया गया है। और हाल ही में तेलुगु फिल्म बॉम्बार भी एकदम हटकर कंसेप्ट के साथ दर्शकों के बीच काफी चर्चाओं में आई। निर्देशक राघवेंद्र वर्मा की पसंदीदा फिल्म, निर्माता सिंगेतम श्रीनिवास राव की आदित्य 369 एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। डायरेक्टर वर्मा दरअसल इंसान और रोबोट के बीच के रिश्ते पर एक वीडियो देखकर काफी इंस्पायर्ड हुए। इस फिल्म के पीछे दुबई की रोबोट सिटाइन सोफिया और हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ की यह एक वीडियो थी जिसमें विल स्मिथ सोफिया को लगातार इंप्रेस करने में लगे हुए थे, लेकिन सोफिया उन्हें बार बार रिजेक्ट कर रही थी। वह रोबोट का मानव को रिजेक्ट करने का आइडिया ये काफी इंस्पायर था, जिसका नतीजा यह फिल्म रही। राघवेंद्र वर्मा ने कहा कि बॉम्बार मूल रूप से एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें साइंस फिक्शन का कुछ अंश डाला गया है। उनका मानना है कि दर्शकों को पसंद नहीं आएगा अगर फिल्म पूरी तरह से रोबोटिक्स पर बनाई गई हो, और ठीक भी है। अगर फिल्म रोबोट से सिर्फ चिट्टी रोबोटिक काम ही करता तो शायद ही भारतीय दर्शकों को फिल्म पसंद आती। दर्शकों को फिल्म इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें लव स्टोरी थी, इमोशंस थे, फन था और ढेर सारा एक्शन तो था ही। यानी बॉम्बार में इस बार रोबोट और इंसान के बीच कुछ और नए खट्टे मीठे इमोशंस दिखाए जाएंगे। क्या आपने देखा इस फिल्म को? कुदरत की अपनी लय होती है और इस लय को तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है वो आप शायद स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म जुरासिक पार्क को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कड़ी की ताजा फैंटेसी फिल्म है एक्रोइव। फिल्म एक ऐसे कंसेप्ट पर बनी है जो कई तरह से हमें सचेत करती है। फिल्म का वैज्ञानिक हीरो अपनी बीवी की मौत के बाद एक ऐसा रोबोट बनाता है जिसमें वो अपनी मृत बीवी की भावनाओं को डालने में कामयाब होता है। इस फिल्म का कंसेप्ट 10 साल पहले आई फिल्म रोबोट से नताज होता है, जिसमें वैज्ञानिक वसीकरण चिट्टी बनाता है और इसमें भावनाएं डाल देता है, और चिट्टी महाशय का रोबोटिक दिल ऐश्वर्या राय पर डोलने लग जाता है। बात अगर फिक्शन इमोशंस तक होती फिर भी ठीक था, लेकिन हीरोइन की बात छोड़िए, अब फिल्मों में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स आधिकारिक करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए रोबोटिक्स की कोई फीस नहीं लगेगी तो जरूर रुकिए, आप गलत हैं। ये रोबोट लीड रोल करने के लिए $7 करोड़ की फीस ले रहा है। तो अब अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि क्रिएटिव जॉब्स जैसे एक्टिंग यदि आखिरी होगा जिन्हें रोबोट छीन नहीं सकते, तो एक बार फिर से सोचें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दुनिया की पहली फिल्म बी बनने जा रही है, जिसकी मुख्य भूमिका में होंगे एक एआई रोबोट। कहीं ये बात रजनीकांत के डायरेक्टर को पता चल गई तो रजनीकांत की होगी छुट्टी और एआई कुट्टी की होगी फिल्म में। लेकिन क्या भारतीय एआई की भी होगी इतनी ही मांग, या महंगाई देखते हुए वो करेंगे थोड़ा एडजस्ट? फिर क्या रजनीकांत होंगे बॉडी डबल फिल्म में? आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। क्या है फिल्म रोबोट 3.0 की स्क्रिप्ट? क्या फिल्म में हमें रोबोट 2.0 फिल्म में जो मिनी वर्जन देखने को मिले थे वो रोबोट 3.0 में भी होंगे? क्या फिल्म रोबोट और रोबोट 2.0 से भी ज्यादा बजट की फिल्म रहेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। रोबोट 3.0 फिल्म रोबोट 2010 में आई फिल्म और रोबोट 2.0 2018 में आई फिल्म की सीक्वल फिल्म है।
रोबोट 2.0 के डायरेक्टर शंकर ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कहा था कि शंकर 3.0 फिल्म के साथ नजर आएंगे अगर उन्हें सुटेबल स्क्रिप्ट मिलती है लिखने के लिए, जो कि होगी रोबोट 2.0 की सीक्वल। वहीं डायरेक्टर शंकर का ड्रीम प्रोजेक्ट रोबोट 2.0 गियर्ड अप था थिएटर्स को हिट करने के लिए नवंबर 29, 2018 में। रोबोट 2.0 2010 में फिल्म रोबोट की सीक्वल फिल्म है। दोनों ही फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था एस शंकर ने। रोबोट फिल्म में हमें ऐश्वर्या राय बच्चन, रजनीकांत, डैनी और संथानम और करुणास जैसे एक्टर्स देखने मिले थे। वहीं रोबोट फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दिया था एआर रहमान ने। फिल्म के डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, एआर आर्ट डायरेक्शन मदन कार की। फिल्म रोबोट को क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। एंथरन यानी रोबोट फिल्म को वर्ल्ड वाइड 1 अक्टूबर 2010 को रिलीज किया गया था। रोबोट फिल्म हिंदी में रोबो तेलुगु में और एंथरन तेलुगु में रिलीज की गई। फिल्म रोबोट मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी उस टाइम तक की। वहीं रोबोट 2.0 सेकेंड इंस्टॉलमेंट है एंथरन फ्रेंचाइजी के में, जिसमें कास्ट किया गया था रजनीकांत, अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, सुधांशु पांडे, अदल हुसैन, काला भवन सजोन और के गणेश जैसे बेहतरीन एक्टर्स को। वहीं रोबोट 2.0 का भी साउंड ट्रैक एआर रहमान ने ही दिया था और लिरिक्स लिखे थे मदन कार्की ने और ना मुथु कुमार ने भी। वहीं रोबोट 2.0 भी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म तो डेट थी। वहीं फिल्म का बजट रखा गया था 570 करोड़ रुपए और फिल्म ने ओवरऑल कलेक्शन किया था 655 करोड़ रुपए का। वहीं 800 करोड़ के बीच का आंकड़ा भी फिल्म ने पार किया। फिल्म रोबोट 2.0 को वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव रिव्यूज मिले। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च चेन्नई के प्राइवेट थिएटर में किया गया था। इवेंट पर होस्ट आरजे बालाजी ने डायरेक्टर शंकर से पूछा था कि फिल्म के सीक्वल के बारे में और डायरेक्टर शंकर ने यह कहा कि फिल्म के सीक्वल होगा। उनके पास फ्रेश न्यूज है फिल्म के सीक्वल के लिए और मेन वर्दी स्क्रिप्ट तैयार करके तो वह शुरू रोबोट 3.0 की फिल्म जरूर कर देंगे। वही बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातों के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को और मिलते हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज की अगली वीडियो। क्या बन चुकी है रोबोट 3.0 की स्क्रिप्ट? क्या फिल्म में हमें देखने को मिलेगा और भी जबरदस्त एक्शन? क्या फिल्म रोबोट और रोबोट 2.0 से भी ज्यादा बजट की फिल्म रहेगी? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रास स्टूडियोज की एक और नई चटपटी वीडियो में हुश्रिया अरोड़ा आपकी आज की होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म रोबोट 3.0 के बारे में। रोबोट 3.0 फिल्म रोबोट 2010 में आई फिल्म और रोबोट 2.0 2018 में आई फिल्म की सीक्वल फिल्म है। रोबोट 2.0 के डायरेक्टर शंकर ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कहा था कि शंकर 3.0 फिल्म के साथ जरूर आएंगे अगर उन्हें सूटेबल स्क्रिप्ट मिलती है लिखने के लिए, जो कि होगी रोबोट 2.0 की ही सीक्वल। डायरेक्टर शंकर का ड्रीम प्रोजेक्ट रोबोट 2.0 गियर्ड अप था थिएटर्स को हिट करने के लिए नवंबर 29, 2018 में। रोबोट 2.0 2010 में आई फिल्म रोबोट की सीक्वल फिल्म है। दोनों ही फिल्म्स को लिखा और डायरेक्ट किया था एस शंकर ने। रोबोट फिल्म में हमें ऐश्वर्या राय बच्चन, रजनीकांत, डेनी डेंजोंगपा, संथानम और करुणास जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे। रोबोट फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दिया था एआर रहमान ने और फिल्म के डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और आर्ट डायरेक्शन मदन कार के आर रंथ नेविलू एंटनी और साबू साइरल ने दिया था। आपको बता दें कि फिल्म रोबोट को क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। एंथरन यानी रोबोट फिल्म को वर्ल्ड वाइड 1 अक्टूबर 2010 को रिलीज किया गया था। रोबोट फिल्म हिंदी में आपको बता दें रोबोट के नाम से थी, रोबोट तेलुगु में और एंथरन तेलुगु में। फिल्म रोबोट मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी उस टाइम तक की। रोबोट 2.0 सेकेंड इंस्टॉलमेंट है एंथरन फ्रेंचाइजी में, जिसमें कास्ट किया गया था रजनीकांत, अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, सुधांशु पांडे, अदिल हुसैन, काला भवन शाजोन और के गणेश जैसे बेहतरीन एक्टर्स को। आपको बता दें कि रोबोट 2.0 का भी साउंड ट्रैक एआर रहमान ने ही दिया था और लिरिक्स लिखे थे मदन कार के और ना मुथु कुमार ने। रोबोट 2.0 भी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म टू डेट थी। फिल्म का बजट रखा गया था 570 करोड़ और फिल्म ने ओवरऑल कलेक्शन किया था 655 करोड़ 81 लाख टू 800 करोड़ तक का। आपको बता दें कि फिल्म रोबोट 2.0 को वर्ल्ड वाइड बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च चेन्नई के प्राइवेट थिएटर में किया गया था। इवेंट पर होस्ट आरजे बालाजी ने डायरेक्टर शंकर से पूछा था फिल्म के सीक्वल के बारे में और डायरेक्टर शंकर ने ये कहा था कि फिल्म का सीक्वल जरूर होगा।
उनके पास फ्रेश आइडियाज हैं इस फिल्म के सीक्वल के लिए। फिलहाल इस फिल्म के बारे में बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज कैसे शुरू हुई 3.0 और ईगा के बीच की जंग की शुरुआत और किसके पाले में होगा ब्लॉकबस्टर का खिताब, वही थलाइवा की बायोपिक में उनके दामाद निभाने वाले हैं उनका किरदार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबो 3.0 से जुड़े कुछ नए अपडेट्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब हम भारत की एनिमेटेड या फिर तकनीकी परस फिल्मों की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले रजनीकांत की फिल्म रोबोट और नानी और सुदीप की फिल्म ईगा यानी मक्खी का नाम आता है, जहां फिल्म रोबोट टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए एक मानव रोबोट की कहानी है। वहीं ईगा एक ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो नानी अपनी मौत के बाद एक मक्खी के रूप में लौटकर अपनी मौत का बदला लेता है। सुनकर हंसी आ गई, लेकिन देखकर आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म की टेक्निकी और डिजाइनर टीम को हमारे सलाम, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से फिल्म में कुछ ऐसे काल्पनिक पहलू जिंदा किए हैं जो काफी असल दिखाई दिए। वहीं एक बंद क्यूबिकल में बैठे डिजाइनरों की टीम की कल्पना करना आसान है, लेकिन प्रवीण और सतीश के YouTube चैनल नो लॉजिक फिल्म्स के पीछे का दिमाग, जिनका वीडियो 3.0 वर्सेस ईगा सोशल मीडिया पर कई मशहूर हस्तियों के विज्ञापन को आकर्षित करने के बाद वायरल हो रहा है, जो अपने घर में आराम से काम करते हैं, अपने वीडियो अभिनय और शूटिंग को बारी बारी एनिमेट करने का काम भी करते हैं। उनका ये वीडियो उनके घर बैठे कंप्यूटर पर 100 घंटे की मेहनत का फल है, जो बिल्कुल न्यूटन की ग्रेविटी की डिस्कवरी के सेब जितना मीठा है। 3.0 वर्सेस ईगा डायरेक्टर एस शंकर की फिल्म रोबोट 2.0 से एक्शन फिगर के आकार का बॉट कुट्टी और एसएस राजमौली की फिल्म ईगा से नानी नाम की एक छोटी सी मक्खी है। ये एक ऐसा वीडियो है जिसे रिलीज होने के एक हफ्ते से भी कम समय में 500,000 से अधिक बार देखा गया है। वहीं सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये फेस ऑफ, क्योंकि रोबोट 3.0 में कुट्टी को काफी छोटे आकार का रोबोट दिखाना जाना था और वहीं ये आकार एक मक्खी के बराबर होगा, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं की गई। लेकिन हो सकता है ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद डायरेक्टर शंकर को 3.0 के लिए एक नया आइडिया ही मिल जाए। इस वीडियो के वायरल होने का श्रेय सतीश रजनीकांत के फैन बेस को दे रहे हैं और फिल्म 2.0 के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर ने भी इस वीडियो की खूब तारीफ की। अब तो लगता है इस वीडियो को YouTube पर जाकर देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो के अलावा सतीश और प्रवीण ने 2.0 चिट्टी वर्सेस जोम्बी के बीच की इसी तरह की वीडियो बनाई थी, जिसने भी तक 12 मिलियन हासिल हो चुके हैं और वहीं एक राउंड तो चिट्टी और कुट्टी के बीच भी बनता है अपनी अपनी शक्तियों के साथ, जिसमें देखना रोमांचक होगा कि कैसे कुट्टी का छोटा आकार चिट्टी के मानव आकृति में आगे टिकता है, तो किस पर बोली लगाएंगे आप। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत कोरोना वायरस महामारी के दौरान पिछले कुछ महीनों से शूटिंग से दूर है। लंबे समय के बाद अभिनेता ने अब अपनी आगामी फिल्म अन्नाथे की शूटिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन मौजूद स्थितियों और रजनीकांत के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अपने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। लिहाजा अन्नाथे के निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग अगले साल तक के लिए टाल दी है। तो क्या 2021 में नहीं आएगी थलाइवा की कोई भी फिल्म? क्या रोबोट 3.0 के लिए करना पड़ेगा दर्शकों को एक साल लंबा इंतजार? बता दें, अगर थलाइवा की सेहत और माहौल में सुधार आया तो रजनीकांत फिल्मों की शूटिंग फरवरी से शुरू कर देंगे। तो घबराइए मत, हम बात कर रहे हैं रजनीकांत की, जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द का नामोनिशान ही नहीं है। वहीं रोबोट 3.0 अन्नाथे के अलावा एक और खास फिल्म का रजनी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हम बात कर रहे हैं अपने 70वें साल की ओर प्रस्थान करते हुए एक ऐसे कलाकार की, जिन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों से एंटरटेन किया, जिनकी जीवनी देखने के लिए कई बच्चे तो इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यानी जो नहीं कि इतने मशहूर हैं थलाइवा। तो इसकी उत्सुकता बरकरार रखते हुए बता दें फिल्म मेकर्स रजनीकांत की बायोपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस खबर के इससे आगे ये भी कि रजनीकांत का किरदार निभाने के लिए उनके दामाद धनुष को अप्रोच किया गया है, लेकिन क्या रजनीकांत इस फैसले को हरी झंडी दिखाकर खुद भी शामिल होंगे अपनी ही बायोपिक में और कैसी रहेगी उनकी बायोपिक, क्या आप बता सकते हैं? तो जल्द से कमेंट करके हमें बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आखिर क्या वजह थी साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के हिंदी फिल्मों से दूरी बनाने की और कैसा होता मिजाज एक भारतीय रोबोटिक नारी का? कौन से फीचर्स होते इनमें?
रजनीकांत ने 1983 में बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म अंधा कानून से। ये वो जमाना था जब हीरोइनों के बजाय हीरो प्लाजो पैंट और हाई वेस्ट जीन्स पहना करते थे। फिल्म में थलाइवा के अलावा हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन भी थे। ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन रणबीर कपूर हुआ करते थे और उनकी आलिया भट्ट थी जया भादुरी और कटरीना कैफ थी रेखा जी। वो कहते हैं ना, मोहब्बत हमेशा जवां रहती है, और देखिए रेखा आज भी उतनी ही खूबसूरत है और उनके बाल भी उनके ही तरह सिल्की और शाइनी है। सनसिल्क वालों को एक बार तो रेखा जी के साथ ही विज्ञापन कर लेना चाहिए था, लेकिन सनसिल्क नहीं तो लक्स ही सही। फिल्म में जहां शहनशाह थे तो ड्रीम गर्ल भी थी। फिल्म रही थी सुपरहिट और रजनीकांत की करियर ने भी पकड़ी थी रेस। उन्होंने हम और चालबाज जैसी सुपरहिट फिल्मों में लीड किरदार निभाया था, लेकिन 2000 में अपनी आखिरी फिल्म बुलंदी से उन्होंने बॉलीवुड के फ्यूचर को भांप लिया था। उन्होंने शायद काले चश्मे से करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और कलंक का भविष्य देख लिया था। उनको पता था ऐसा वक्त भी आएगा जब फिल्म डायरेक्टर्स करेंगे चालबाजी और फिल्म के नाम पर हमको परोसेंगे हॉलीवुड की भाजी। कानून तो पहले से ही अंधा था, लेकिन अब तो कानून बॉलीवुड के गाने सुनकर बहरा और गूंगा भी हो गया है। ये भी हो सकता है रजनीकांत को हिंदी का देर आए दुरुस्त आए वाला मुहावरा देर से समझ आया हो कि जब बॉलीवुड ने मेरी ही फिल्मों को आगे चलकर हिंदी संस्करण बनाना है तो मैं डबल मेहनत क्यों करूं। भूल भुलैया हो या रोबोट, फिल्म को सीधा हिंदी में डब करने का करके बना देते हैं। फिल्म को पैन इंडिया प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी के काम आसान किया है और हमारा नुकसान ये हम पर छोड़ देते हैं। ये इतना ही मुश्किल सवाल है जितना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है या पिताजी का पतलून एक बेलांग और छोटी करनी है या नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी और डायरेक्टर एस शंकर एक बार फिर से हम चिट्ठी से मिलवाने जा रहे हैं, यानी जल्द ही फिल्म रोबोट 3.0 की शुरुआत होगी। लेकिन इस बार फिल्म में चिट्ठी नहीं बल्कि कुट्टी होगा, जिसके खिलाफ एक फेमिनिस्ट रोबोट तो होनी ही चाहिए जो लुक में एकदम कैटरीना कैफ जैसी हो और एक्शन में एकदम एवेंजर्स की ब्लैक विडो जैसी। मतलब यहाँ भी हमारे मोह हॉलीवुड से नहीं छूट रहा। ऐसा क्या है जो पूरे भारत को अमेरिका की तरफ खींचता है और पंजाब को कैनेडा की ओर? लड़कियां शायद इस महिला रोबोट में एक ऐसा फीचर देखना चाहेंगी जिससे वो रिलेट कर सके, जैसे इस महिला रोबोट में चिट्ठी की तरह भावनाएं डाली जाएं। क्या पता इस रोबोट का नाम भावना ही हो। जैसे फिल्म रोबोट में चिट्ठी ने ब्लू और मेटेलिक सूट पहना था, वैसा ही ये रोबोट का सूट भी पिंक और मेटेलिक रंग में हो। भावना एक संस्कारी रोबोट भी हो सकती है जो सुबह अपनी ऑनलाइन प्लेलिस्ट से गायत्री मंत्र चलाकर घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद पाए, बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर दे और घर के सोफे और बेड को एक हाथ से उठाकर कोने कोने की सफाई करके दिखाए। लेकिन क्या भावना अपने ब्लूटूथ के रडार में किसी लड़के को भटकने देगी? और क्या हो सकता है इस महिला रोबोट के पास वो शक्ति हो जो हर लड़की पाना चाहती हो? अपने बॉयफ्रेंड का झूठ पकड़ने का फीचर? क्या पता भावना की आंखों में एक AI इंस्ट्रक्टेड एक्सरे हो जिससे वो हर किसी का भी झूठ पकड़ सके? जब सोफिया को ही देख लीजिए। सोफिया दुबई की एक रोबोट है जिसे हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने प्रपोज किया था, लेकिन सोफिया इंटेलिजेंट है। इसके डेटाबेस में विल स्मिथ से जुड़े पहले ही कई रिकॉर्ड्स शामिल थे जिनसे इसको बताया होगा कि विल स्मिथ पहले से ही शादीशुदा है। तभी सोफिया ने भी जवाब दिया कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो अगर एक खूबसूरत रोबोटिक महिला आपको प्रपोज करे तो क्या होगा आपका जवाब? वही क्या भावना कुट्टी को भी कर देती फेल? आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है वापस से बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बड़े पर्दे पर जल्द ही रिलीज हो रही फिल्म एंथरिन 3.0 के बारे में। एंथरिन 2.0 या रोबोट 2.0 तमिल का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। एंथरिन या रोबोट सीरीज के डायरेक्टर हैं एस शंकर, साथ ही इस फिल्म को सुभाष करण लाइका प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। रोबोट मूवी को 2010 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की लीड कास्ट थी रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन। इस मूवी में रजनीकांत ने डॉक्टर वशीकरण का किरदार निभाया था। इसके बाद एंथरिन 2.0 को और भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया और इस फिल्म की लीड कास्ट के लिए रजनीकांत, अक्षय कुमार और एम
रानी जैक्सन को चुना गया था। इस फिल्म ने पहले दिन ही 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे। रजनीकांत की 2.0 ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की थी। इस मूवी का ट्रेलर चेन्नई के प्राइवेट थिएटर में रिलीज किया गया था। आपको बता दें, इस इवेंट में आरजे बालाजी ने शंकर से एक सवाल पूछा कि 2.0 के बाद एंथ्रन 3.0 कितनी जल्दी फैंस को देखने को मिलेगी, जिसके बाद शंकर का यह कहना था कि वे जल्द ही कोई अच्छी स्क्रिप्ट देखकर 3.0 को बड़े पर्दे पर जरूर लाएंगे। उनका यह भी कहना था कि वे ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें लोग भारत में सुपर हीरो को जब सोचे तो उन्हें सिर्फ रजनीकांत का ही चेहरा दिखाई दे। साथ ही आपको बता दें, एंथ्रन 3.0 के लिए कैटरीना कैफ, सलमान खान और सुपरस्टार रजनीकांत जैसे नाम सामने नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को तमिल और हिंदी दोनों भाषा में बनाया गया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत के डायलॉग लोगों को इतने पसंद आते हैं कि उन्हें वे मूल जबानी याद रहते हैं। जी टीवी तमिल में रजनीकांत ने इस बात का खुलासा भी किया था कि इस फिल्म के निर्देशक एंथ्रन 2.0 के लिए कोई भी म्यूजिक नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन 2.0 के म्यूजिक डायरेक्टर थे AR रहमान और लोगों ने इस फिल्म के गानों को बेहद पसंद किया था। सुनने में तो यह भी आया था कि इस फिल्म को करने के लिए शंकर ने आमिर खान और कमल हसन से भी पूछा था। साथ ही ऋतिक रोशन और नील नितिन मुकेश से भी इस फिल्म को करने के लिए पूछा गया था, लेकिन बाद में अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी का नाम ही फाइनल किया गया। आपको बता दें, 2015 में एक ऑफिशियल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पे एंथ्रन 2.0 की अनाउंसमेंट भी की गई थी। 2015 में आई हुई फ्लड्स की वजह से इस इवेंट में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं रखी गई थी। आपको बता दें, सुनने में तो यह भी आया था कि अभिषेक बच्चन इस फिल्म के लिए कैमियो रोल करने वाले हैं, लेकिन बाद में टीम ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दुबई में एक म्यूजिक इवेंट भी रखा गया था जहां पर इस फिल्म के गानों को 27 अक्टूबर 2017 में काफी ग्रैंड तरीके से प्रमोट किया गया था। यह फिल्म पहले 2018 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया और यह फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। आपको बता दें, इस फिल्म को 3.5 स्टार्स मिले थे और रॉटन टोमेटोज ने भी इस फिल्म के बारे में रिव्यू पोस्ट कर इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए थे। अब देखना यह है कि रोबोट या एंथ्रन 3.0 बड़े पर्दे पर कितनी जल्दी रिलीज होती है और लोगों का इंतजार कितनी जल्दी खत्म होता है। समय मेकर्स को मिली थी फिल्म को लीक करने की धमकी। कैसे रजनीकांत की सफलता के पीछे है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का हाथ? दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में फैंस के लिए उत्सव से कम नहीं होती। फैंस सिनेमा घरों के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ उनकी फिल्मों का स्वागत करते हैं। हालांकि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। दरअसल रजनीकांत को बिग बी कई सुपरहिट फिल्मों के रीमेक में देखा जा चुका है। 1975 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना की तिगड़ी ने लोगों को खूब हंसाया। इसके बाद 1978 में तमिल भाषा में शंकर सलीम साइमन नाम से इसकी रीमेक बनाया गया। इसमें रजनीकांत ने अमिताभ वाली भूमिका निभाई। इनके अलावा फिल्म में विजय कुमार और जय गणेश भी अहम किरदारों में नजर आए थे। इसके अलावा 1980 में तेलुगु भाषा में भी राम रॉबर्ट रहीम नाम से इसके रीमेक बनाया। रजनीकांत इसके हिस्से भी बने। साथ ही 1978 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि बॉलीवुड भी इसका रीमेक बनाया जा चुका है, जिसमें शाहरुख खान दिखे थे। इसके अलावा 1980 बिल्ला नाम से तमिल भाषा में इसका रीमेक बना था। इसमें रजनीकांत ने अमिताभ वाली भूमिका अदा की थी। इसके बाद 2007 में इसी नाम से डॉन का एक और रीमेक बनाया गया था। इसमें सुपरस्टार प्रभास ने अहम भूमिका अदा की थी। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन द्वारा बोले गए डायलॉग्स आज भी दर्शकों की जुबान से सुनने को मिल सकते हैं। फिल्म में शशि कपूर ने उनके छोटे भाई का किरदार निभाया था। इसके भी 1981 में तमिल भाषा में रीमेक बनाया गया था। इसमें रजनीकांत को एक बार फिर अमिताभ वाला किरदार निभाते हुए देखा गया, जबकि अभिनेता सुमन ने उनके छोटे भाई यानी शशि कपूर वाला भूमिका निभाई थी। वहीं मर्द को मावीरन और लावारिस को पानकरन के नाम से रिलीज किया गया। वहीं रजनीकांत ने अब फिल्म रोबोट बना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म को हिंदी में डब किया गया और साथ ही बॉलीवुड के सितारे ऐश्वर्या राय बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सितारों ने भी इसमें काम किया।
वहीं फिल्म रोबो 2.0 के रिलीज के समय कई पायरेट्स वेबसाइट ने फिल्म 2.0 को फ्री में देखने के साथ डाउनलोड करने का भी दावा किया। फिल्म को 33,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। रिलीज के कुछ घंटे बाद ही फिल्म को तमिल रॉकर्स ने ऑनलाइन लीक कर दिया था। फिल्म के लीक होने से मेकर्स को गहरा सदमा लगा। 2.0 की लीक से फिल्म की कमाई पर काफी प्रभाव पड़ा। फिल्म को लेकर तमिल रॉकर वेबसाइट के अनवेरिफाइड ट्विटर अकाउंट से फिल्म को लीक करने की धमकी आई थी। रजनीकांत और अक्षय कुमार के फैंस को पायरेटेड लिंक नहीं देखने की अपील की। वहीं इस पायरेसी से बचने के लिए मेकर्स ने 10 लोगों की एक टेक्निकल टीम बनाई जो इस पर काम करने लगी। हालांकि मेकर्स का यह प्लान काम नहीं कर पाया और यह पहली बार नहीं हुआ है कि कोई तमिल फिल्म ऑनलाइन लीक की गई हो। इससे पहले भी सुपरस्टार विजय की फिल्म सरकार और रजनीकांत की फिल्म काला को भी लीक किया जा चुका है। वहीं फिल्म की असफलता का कारण यह केवल फिल्म के लीक होने से जुड़ा है। कैसे सफलता से सफल फिल्म 3.0 बनने में लगे हुए हैं डायरेक्टर एस शंकर। 2.0 के रिलीज के आसपास चल रही हुकदौड़ों के साथ आलोचकों का कहना है कि यह रजनीकांत अक्षय स्टार फिल्म दक्षिण में एक विशाल फ्लॉप रही, जिसका कलेक्शन 180 करोड़ रुपए से कम रहा। 550 करोड़ के बजट में बनी शंकर शमुगम निर्देशन के साउथ में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में फिल्म ने खुद के लिए शानदार मात्रा में प्रशंसा अर्जित की है। साथ ही फिल्म की कमाई के साथ ही डायरेक्टर ने फिल्म की तीसरी कड़ी के लिए पहले से ही कमर कस ली थी। तभी फिल्म की तीसरी कड़ी की हिंट उन्होंने फिल्म 2.0 के आखिर में दे दी थी ताकि दर्शकों में उत्साह बना रहे। फिल्म में कई सारे छोटे साइज के रजनीकांत के लिए दर्शक काफी उत्साहित है। वहीं फिल्म की मार्केटिंग जहां अभी से शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ फैन द्वारा बनाए गए ट्रेलर्स और पोस्टर्स भी सबका ध्यान खींच रहे हैं। शायद एस शंकर इस बार फिल्म के लीक होने के बारे में पहले से ही तैयार रहे ताकि कहीं उन्हें फिर से उसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वहीं मानव रोबोट के साथ एक बार फिर रजनीकांत जल्द ही वापस लौटेंगे। फिल्म रोबोट जहां तमिल सिनेमा के पहली रोबोटिक फिल्म थी, वहीं मलयाली सिनेमा की एक नई साइंस फिक्शन फिल्म लेकर आया है। एक परिवार की तस्वीर तब यादगार बनती है जब एक खास क्षण को कैप्चर करने के लिए सभी सदस्य एक साथ आते हैं और सोबिंग शाहिद स्टार एंड्रॉइड कुंतजन वर्जन 5.25 का सबसे नया पोस्टर उस भावना को पूरी तरह से बयान कर रहा है। सोबिन शाहिद, सूरज वेंजरामुदु, कैंडी जर्दो, साइजू कुरूप, एक गाय और सबसे महत्वपूर्ण एक रोबोट की विशेषता को यह पोस्टर दर्शाता है। कुंजपन वर्जन 5.25 साइंस फिक्शन के कुछ नए और मजेदार पहलू दिखाए गए और दर्शकों को एक रोबोट दोस्त के साथ एंटरटेन करने का दावा कर रही है। टीजर से पता चलता है कि फिल्म एक देसी आदमी के बारे में है जिसका रोबोट के साथ कुछ संबंध है। संतोष टी कुरुविला, मून शॉट एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस परियोजना को बनाया जा रहा है। तो क्या यह कम बजट की मलयालमी साइंस फिक्शन फिल्म रोबोट की तीसरी कड़ी को टक्कर दे सकेगी? कौन से पहलू एक साइंस फिक्शन फिल्म को सफल बनाने के लिए जरूरी होता है? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है। कौन होगा 3.0 में विलेन? कब आ रही है ये फिल्म? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ सानिया सैफी। दोस्तों 2.0 भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म थी जिसका निर्देशन शंकर ने किया था। इसके लेखक शंकर और जय मोहन थे और ये 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन यानी कि रोबोट का दूसरा पार्ट है, जिसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन और अक्षय कुमार मुख्य किरदार में हैं। एआर रहमान ने फिल्म में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया था। 29 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया। जनरली इस फिल्म को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही मिला है। इसमें आलोचकों ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत और अक्षय कुमार के प्रदर्शन और साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने की सराहना की है, लेकिन कहानी और उसकी गति को लेकर काफी आलोचना भी हुई है। हालांकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही दुनिया भर में 117.34 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस फिल्म के हिंदी डब ने 140 करोड़ रुपए की कमाई की और बाहुबली द कंक्लूजन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म बन गई है। इसी के साथ पूरी दुनिया में इसने सबसे अधिक कमाई करने वाली छठी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया था 563 करोड़ रुपए के बजट से और फिल्म ने कमाई की 700 करोड़ रुपए की।
फिल्म के बेहतरीन विजुअल्स को लेकर दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था और फिल्म की सक्सेस को देखते हुए फिल्म मेकर्स पूरी तरह से मूड में हैं इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए, यानी कि 3.0 पाइपलाइन में है। दोस्तों, हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक ताजा और बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि 3.0 के विलन के लिए इस बार फिल्म मेकर्स और भी ज्यादा आगे जाना चाह रहे हैं और बड़ा विलन इस फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट में विलन के किरदार में कोई फीमेल नजर आने वाली है और फीमेल भी हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस होगी। जी हाँ, 3.0 के लिए ना सिर्फ विलन के किरदार में फीमेल होगी बल्कि वो होगी हॉलीवुड एक्ट्रेस, और हम बात कर रहे हैं हेलेना बोनहम कार्टर की, जिन्होंने हैरी पॉटर में निभाया था बहुत ही विलनस किरदार जिससे आज तक बच्चे नफरत करते हैं। जी हाँ, सही समझे, बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज की। हैरी पॉटर में विलन का किरदार निभाने के बाद वो एक और बार बच्चों की फिल्म एलिस इन वंडरलैंड में फिर से विलन के किरदार में नजर आई थी और हम देखते हैं कि आज तक हेलेना ने ज्यादातर विलन के किरदार ही निभाए हैं और हर किरदार को इस तरह से दिखाती हैं कि दर्शक उनके दीवाने हो जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए अब 2.0 के फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि 3.0 में हेलेना विलन का किरदार निभाए। दोस्तों, अगर बात बन जाती है और हेलेना फाइनली इस फिल्म के लिए हाँ कर देती हैं तो ये फिल्म बनेगी हॉलीवुड के लेवल पर। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के लिए हेलेना हाँ कर दें और बॉलीवुड की थलाइवा यानी रजनीकांत फिल्म रोबोट 3.0 के साथ लौट रहे हैं। क्या फिल्म में उनका कद फिल्म जीरो के शाहरुख खान से भी छोटा होगा? आइए जानते हैं क्यों। थलाइवा एक बार फिर से फिल्म रोबोट के तीसरी कड़ी के साथ लौट रहे हैं और इस बार वो एक और चौंका देने वाले अंदाज में दिखेंगे। उनकी फिल्मों की बात करें तो रजनीकांत को तमिल सिनेमा में भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन यह प्यार और शौहरत उनकी विरासत में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से मिली है। रजनीकांत की फिल्मी स्ट्रगल की बात करें तो अन्ना एक बस कंडक्टर थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग और मेहनत के बलबूते पर यह फिल्मी चमक दमक पाई है। वो अपनी निजी जिंदगी भी काफी सादी जीते। कई बार मीडिया ने उन्हें आम जनता के साथ बैठकर एक आम आदमी जैसे केले के पत्ते पर खाना खाते हुए देखा, जो आज के कलाकारों में काफी कम देखा जाता है। उन्हें 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया था। उनकी तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालमी और बंगाली फिल्मों का मिलकर कुल 160 से ऊपर फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया है। फिल्म चालबाज, अंधा कानू और अमिताभ बच्चन संग हम एक साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बनाई। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, कभी एक पुलिस वाला तो कभी एक रोबोट का तो कभी शिवाजी द बॉस जैसे राजनीतिक फिल्मों में उन्होंने डबल रोल भी निभाया। 2010 में फिल्म रोबोट के ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही उनके फैंस में भगदड़ सी मच गई। यह एंटरटेनमेंट का नया दौर था। फिल्म के ट्रेलर में से ही लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि रजनी अन्ना के लिए अब सब मुमकिन है। वो पानी में चल सकते हैं, गरम अंगारे निकल सकते हैं। धीरे धीरे उन पर जोक्स भी बन गए, लेकिन उनसे उनकी पॉपुलैरिटी ही बढ़ी। फिल्म रोबोट 3.0 की बात करें तो यह फिल्म की तीसरी कड़ी होगी। इससे पहले की दोनों फिल्मों में रजनी अन्ना के डबल रोल थे, जिसमें एक किरदार में वो डॉक्टर थे और दूसरे किरदार में चिट्टी द रोबोट। फिल्म का आकर्षण चिट्टी रोबोट के द्वारा किए गए कारनामे थे। चिट्टी कभी ट्रेन पर चढ़ जाए तो कभी गोली को मुंह से पकड़ के थूक देता। फिल्म के पहले भाग में जहां बॉलीवुड की हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन थी, वही फिल्म के दूसरे भाग में भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो क्या 3.0 में बॉलीवुड की कोई एक्टर होगी या एक्ट्रेस जुड़ने वाले हैं? फिल्म में कैटरीना कैफ के जुड़ने की बात सामने आ रही, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है ये तो कैटरीना कैफ या फिर फिल्म के डायरेक्टर शंकर ही जानते हैं। फिल्म रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार ने विलन का किरदार निभाया था। उन्होंने पहली बार ऐसा किरदार निभाया जिसमें उनको एक पक्षी के अवतार में दिखाया गया, लेकिन अक्षय के मुताबिक उन्होंने फिल्म के स्क्रिप्ट से उससे जुड़े सोशल मैसेज की वजह से फिल्म को एक नेगेटिव किरदार निभाने का ठाना। फिल्म में मोबाइल के अधिक उपयोग से बढ़ रहे बुरे प्रभावों के बारे में बताया गया था। डायरेक्टर शंकर ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि हाँ, 3.0 का भी प्लान निश्चित रूप से है, लेकिन वो इस फ्रेंचाइजी को बिना रजनीकांत के आगे बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। जब भी वो अपने दिमाग में चिट्टी का नाम लेते हैं तो बस रजनी सर का ही चेहरा सामने आता है। उन्होंने कहा कि दर्शक होने के नाते वो चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा में सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन की तरह
चिट्टी का नाम भी और ये सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के नाम आगे बढ़े। सभी चिट्टी के किरदार को चाहते हैं और उनकी भी यही इच्छा है कि इस किरदार को बार बार पर्दे पर लाया गया, लेकिन इसके लिए उन्हें क्रिएटिव होना होगा और एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होगी। शंकर को अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो चिट्टी के साथ कृष या रावण के जीवन को भी लेकर तैयार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि 2.0 की समय रजनी अन्ना के घुटने पर चोट लग गई थी और काफी खून भी बहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म को तय किया कि यह समय पर ही पूरी हो। रजनीकांत नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से फिल्म या फिल्म से जुड़े किसी को भी नुकसान हो और इसी वजह से वो फिल्म की पूरी शूटिंग के करने के बाद ही घर गए। अक्षय ने बताया कि रजनी और शंकर जैसे जीनियस के साथ काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अक्षय के मुताबिक 2.0 भारत की सबसे अधिक बजट की फिल्म है जिसने बनाने में 510 करोड़ रुपए की लागत आई है। अक्षय कुमार ने 2.0 के पोस्टर में ही 3.0 की बात का इशारा भी कर दिया। फिल्म 2.0 में रजनीकांत के माइक्रोबोट्स यानी छोटे छोटे रोबोट दिखाए गए जो उनके आने वाली फिल्म का विषय होंगे। फिल्म रोबोट में टेक्नोलॉजी VFX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म दर्शकों को दी जिसे देखकर सबके मुंह से वाह निकली। इन छोटे रजनीकांत रोबोट्स का नाम कुट्टी होगा। अब उसकी खासियत क्या होगी, ये क्या करेंगे, ये तो 3.0 की स्क्रिप्ट तय होने के बाद ही पता चलेगा। सुपरस्टार रजनीकांत की 2020 में फिल्म दरबार भी आई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया। फिल्म में अन्ना के साथ शेट्टी अन्ना यानी सुनील शेट्टी भी होंगे और साउथ की टॉप हीरोइन नयनतारा भी इस फिल्म में रहेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या होगा इतने सारे कुट्टी रोबोट्स के साथ, किस विषय को लेकर डायरेक्टर शंकर इस फिल्म को बनाएंगे और कौन होगा इस फिल्म का अल्टीमेट विलन? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के शहंशाह रजनीकांत रोबोट की तीसरी कड़ी में हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी को भी फेल कर देंगे। कैसे 70 की उम्र में 30 साल के दिखाई देते हैं रजनी अन्ना फिल्मों में और क्या मतलब छुपा है रोबोट के 2.0 और 3.0 में। हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए इसको अंत तक जरूर देखें। रजनीकांत एक ऐसे सितारे हैं जिनका नाम टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में काफी मशहूर है। फिल्म में अगर रजनीकांत का कैमियो ही हो तो फिल्म हिट है। पिछले दिनों रजनीकांत की फिल्म दरबार रिलीज हुई जिनमें उन्होंने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया। उन्होंने पहले भी कई बार पुलिस वाले का किरदार निभाया है, जैसे कि 1991 की फूल बने अंगारे और 1985 की गिरफ्तार। उनको एक एंग्री यंग पुलिस वाले के किरदार में काफी पसंद किया गया। फिल्म दरबार का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा। दर्शकों ने फिल्म को 2019 की आई रजनीकांत की फिल्म पेटा से तुलना करते हुए इससे बेहतर बताया और यह भी कहा कि यह फिल्म सिर्फ उनके फैंस के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए मनोरंजन का पात्र बनेगी। वहीं इस फिल्म में उनके लुक्स की काफी चर्चा रही थी। असल जिंदगी में और फिल्मी दुनिया में कितना फर्क होता है वो तो आप रजनीकांत की फिल्मों को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। असल जिंदगी में जहां उनके सर पर कुछ ही बाल रह गए हैं, दाढ़ी सफेद होने लगी है, वहीं फिल्मों में वो अनिल कपूर की तरह यंग और हैंडसम ही दिखाई देते हैं। इसका सारा श्रेय मेकअप और हेयर ड्रेसर्स को जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर ने इस बात का खुलासा किया था कि वो काफी एक्सरसाइजेस करते हैं और अपने खाने पीने का काफी ध्यान रखते हैं, जिससे उनके अभी तक फिल्में में करने का काफी एनर्जी मिलती है। वहीं रजनीकांत अन्ना को भी कई मौके पर योग करते देखा गया, लेकिन बात उनकी आ चुकी है फिल्म दरबार की नहीं बल्कि उनकी जल्दी आ रही फिल्म रोबोट 3.0 की करेंगे। फिल्म रोबोट की रजनीकांत के कैरियर की काफी अहम फिल्म रही है। इस फिल्म को पूरे देश का प्यार मिला था क्योंकि फिल्म के माध्यम से दर्शकों को एक सोशल मैसेज दिया गया। वहीं रोबोट की अगली कड़ी यानी 2.0 में अक्षय कुमार की एंट्री से फिल्म में चार चांद लग गए थे, लेकिन फिल्म में मोबाइल के हवा में उड़ने पर काफी ट्रोल बनाए गए। इसको चाइनीज फोन कंपनी से भी जोड़ा गया जिसका असर ये हुआ कि फिल्म की चीन के में कमाई कुछ खास नहीं हुई। वहीं चीन से बिगड़ते रिश्ते को भी इस फिल्म की कमाई ना कर पाने की वजह बताई गई थी। फिल्म में एक सोशल मैसेज के साथ चिट्ठी रोबोट ने कारनामे देखने लायक थे। वहीं अब एक बार फिर से चिट्ठी एक और नए अंदाज में आने वाला है। जहां पहले भाग में उसके कारनामे दिखाए, वहीं दूसरे भाग में हजारों और लाखों की तादाद में चिट्ठी की फौज दिखाई गई। फिल्म की तीसरी कड़ी में चिट्ठी और भी नए और रोमांचक किरदार में दिखाई देगा। फिल्म में तीसरे भाग बनने की हिंट तो दूसरे भाग की एंडिंग में ही दे दी गई थी, जब चिट्ठी को एक चींटी के बराबर साइज में दिखाया गया। जी हाँ, इस बार आपको चिट्ठी का छोटा रोबोट रूप यानी कुट्टी देखने को मिलेगा।
कुट्टी माइक्रो रोबोट होगा जिसका साइज काफी छोटा बताया जा रहा है। अब कुट्टी इसी साइज में रहता है या छोटा बड़ा कर सकता है, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म को एंटमैन एंड द वास्प से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एंटमैन भी अपने साइज को जब चाहे छोटा बड़ा कर सकता था। तो क्या ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म एंटमैन से इंस्पायर्ड होगी? ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। फिल्म 2.0 को बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया था। 3D टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है फिल्म आपको एकदम आंखों देखा एक्सपीरियंस देती है, जैसे पूरा सीन आपके सामने ही चल रहा होता है। 3D फिल्म्स को पहले 2D में बनाया जाता है, लेकिन फिल्म रोबोट 3.0 को हॉलीवुड के कुछ दिग्गज स्टीरियोग्राफर्स ने फिल्माया था, जिस वजह से फिल्म के विजुअल्स काफी वास्तविक दिखाए गए। इसमें अक्षय के लुक और हवा में उड़ते मोबाइल को लेकर चिट्ठी की फौज और आखिरी सीन में उसके साइज को छोटा बना देना तक पर काफी चर्चा किया गया टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसका नतीजा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखा जा सकता है। वही अगर 3.0 में अगर कुट्टी को किरदार के माइक्रो रोबोट का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देना है तो फिल्म को कंप्यूटर ग्राफिक्स, VFX और ग्रीन स्क्रीन जैसी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए काफी हाई टेक टूल्स यूज किए जाते हैं। इनमें से एक नाम है ऑटोडेस्क माया, जो हॉलीवुड की फिल्मों में काफी यूज किया जाता है, और साथ ही 3D आर्टिस्ट को माया में ट्रेन किया जाता है। रजनीकांत के दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें से एक 2021 ही अनेथ है, और वही 22 में लिए चंद्रमुखी 2 भी शामिल है। बात करें फिल्म के नाम रोबोट 2.0 और 3.0 की, तो क्या मतलब समझते हैं आप 2.0 और 3.0 से? बता दें 2.0 और 3.0 दोनों रोबोट के वर्जन हैं, जो कि कंप्यूटर की भाषा होती है। जैसे किसी फोन के सॉफ्टवेयर में नए बदलाव किए जाते हैं तो उसके अगले वर्जन को एक नंबर दे दिया जाता है, वैसे ही फिल्म में रोबोटिक और कंप्यूटर साइंस का तड़का लगाने के लिए इनके नाम 2.0 और 3.0 रखे गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या असल में कुट्टी का किरदार एंटमैन से इंस्पायर्ड होगा? और इस बार फिल्म में कौन से सितारे रजनीकांत के साथ जुड़ेंगे और कौन होगा फिल्म का विलेन? हमें अपने जवाब कमेंट करके भेजें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यूं ही नहीं फिल्म के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। मैं आपसे मिलूंगी। 3.0 के विलेन के लिए शंकर किसे कास्ट करना चाहते हैं और इस फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर फिल्म 2.0 सभी फैंस को बेहद पसंद आई है, आपको भी पसंद आई है और मुझे भी पसंद आई है। वहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्म के आखिरी सीन में फैंस को शंकर और रजनीकांत ने एक तगड़ा सरप्राइज दिया है। अरे भैया, ये इंटरनेट की दुनिया है, आप ये सरप्राइजेज वगैरह यहाँ कब तक छिपा सकते हैं? और यही वजह है कि ये सरप्राइज अब सामने आ चुका है। दरअसल फिल्म के आखिर में जब क्रेडिट सामने आते हैं तो हमें झलक मिलती है रजनीकांत के किरदार चिट्टी रोबोट के 3.0 वर्जन की। लेकिन अब इसकी खासियत क्या होगी और ये क्या करेगा, ये तो 3.0 की स्क्रिप्ट तय हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसका नाम क्या होने वाला है, ये हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ, इसका नाम होने वाला है कुट्टी, और अभी फिलहाल कुट्टी की झलक देखकर दर्शक बेहद खुश हैं। तो वहीं दोस्तों, जब बीते दिनों शंकर ने 2.0 के सीक्वल यानी कि 3.0 के बारे में मीडिया से बातचीत की तो दर्शकों ने उनकी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब अब फिल्मी गलियारे में इसके सीक्वल बनने की चर्चाएं गर्म हैं तो इस बात से ये कहा जा सकता है कि शंकर इस फिल्म के सीक्वल बनाने को काफ़ी सीरियस है। तो वहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2.0 भव्य स्तर पर बनाई गई थी और ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म है। 543 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म विश्व की 9वें नंबर पर आती है। तो वहीं अब ये भी खबर आ रही है कि इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार बाहुबली यानी कि प्रभास को लिया जाएगा। तो वहीं कुछ दिनों पहले खबर ये थी कि इस फिल्म में सलमान खान को कास्ट किया जा रहा है, लेकिन सलमान खान ने डेट्स के चलते फिल्म को करने से मना कर दिया।
तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार यानी कि प्रभास को जगह मिलनी चाहिए या नहीं। अपना जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल